कट फास्ट कट फास्ट, रोल फास्ट रोल फास्ट, डेवलप 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 डेवलप, बैक फास्ट, कम ऑन क्विक। ऐसे बेटा बड़े आराम से मोड़ रहे हो, शेर लिख रहे हो, सुना मैं ही कुछ ना सुना दूं। बैक फास्ट, ध्यान दो सब लोग, तुम लोगों के लिए ये सिर्फ एक पेंट्री कार होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है। यस सर। कौन था? ए, कौन था रे? बेटा ऐसा क्यों कहा? वो आपने ही तो पैरामिलिट्री फोर्स कहा था ना। देखो ये सब शब्दों से खेलना, मैनेजर को देखते ही काम करने का नाटक करना, काम से चोरी करना, ये सब यहाँ नहीं चलने वाला। चुप करना रे। क्या बोला? चुप करना। ओह लिसन लेबर्स, अपनी पेंट्री सर्विस में फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहा हूँ। इतनी जल्दी लॉन्च आ गया? ये क्या है सर? रेडियो है यार, एफएम के सारे चैनल आते हैं। जूता हाथ में है ना तो एक एक को दूंगा। वॉकी टॉकी है ये, तुम्हें नहीं पता? नहीं पता सर। एक दूसरे से इससे आसानी से बात कर सकते हैं। तो गांव में अपनी नानी से बात कर सकते हैं? नानी की नानी से भी बात कर सकते हो। सर को क्यों परेशान कर रहा है? थैंक्स बेटा। कोई बात नहीं सर। राजा पांडे नंबर वन, जावेद नंबर नाइन। हर चीज में चोरी। ये बिरयानी का पैकेट है क्या? दो दो उठा रहा है, ला इधर एक। जॉनसन नंबर फोर, मुखी कुमार नंबर टेन। अच्छा सुनो, इस पेपर में जैसा लिखा है उसे देकर अपना अपना उठा लो, कोई दूसरे का मत उठाना। इसको आगे बढ़ाओ। एक बात और, ये वॉकी टॉकी से कैसे बात? मुझे पता है सर। तुम्हें तो पता नहीं था ना? तब पता नहीं था, अभी भी नहीं पता है। इस तरफ का आदमी जब बात खत्म करके ओवर बोलेगा ना, तब दूसरी तरफ का आदमी बोलेगा। तो फिर इस तरफ जो खड़ा है वो सर मुंह बंद करके खड़ा रहेगा। ए मुंह बंद करके खड़े रहना। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। नहीं सर। कहीं उतार ना दूं, संभल कर। उन लोगों को जो नए नए काम पर आए हैं, पेंट्री के रूल्स बता देता हूँ। रूल नंबर वन, किसी भी हालत में कंप्लेंट बुक पैसेंजर के हाथ में नहीं आनी चाहिए। और रूल नंबर टू सर? जावेद तुम बता दो। चाय हो या कॉफी, कस्टमर पीने के बाद ये बोले कि चाय पानी जैसी और कॉफी बिल्कुल काली जैसी है और मुंह पर थूक दे, क्या करना चाहिए? मुंह धोकर आना चाहिए। मुंह साफ करके मुस्कुराते हुए थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, बाय बाय बोलकर वहां से निकल लेना चाहिए। तो सारे पैसेंजर्स उस मैनेजर कमीने को लेकर आओ, ऐसे बोलेंगे तो? हाँ, तो फंसा दो मुझे। यस सर। यस सर, वही मेन रूल है। मैं किसी भी तरह से न फंसूं, इस बात का तुम्हें पूरा ख्याल रखना है। उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कैसा भी झूठ बोल सकते हो, पर सिर्फ मेरे लिए। ओके सर। तो ऐसी अफवाह फैला देंगे कि मैनेजर को स्वाइन फ्लू है? क्यों? टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब बोल देना। सर आपके चेहरे का जो शेप है उस पर स्वाइन फ्लू ही फिट बैठता है। डिस्पर्स। बेटा सर तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो ना? नहीं सर, अगर कुछ डाउट हो तो कैप्टन से ही पूछना चाहिए ना। गुड, थैंक्स, आई गॉट माय स्टूडेंट। चल निकल। व्हाट? चल निकलना रे, जाबे काम पर ध्यान देने का, फालतू बातें नहीं करने का। वैसे क्यों बोलता है, जज ही नहीं कर पा रहा हूं मैं। ही इज एन इनोसेंट बॉय। इडली वड़ा, पोंगल वड़ा। अरे एक पोंगल वड़ा देना और दो इडली वड़ा। बर्थ कंफर्म कर दीजिए ना सर। थोड़ा सबर करो ना सर, जितना पैसा कहेंगे दे दूंगा, बस कंफर्म कर दीजिए ना सर। तो एक के 5 लाख लगेंगे, चलेगा? मजाक क्यों कर रहे हैं सर? तो फिर वेट करो, ये एस्ट्रो है ना? जी। तो वेट करो, झांसी आती कुछ कंफर्म करके बताता हूँ। झांसी कब आएगा सर? तूने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ झांसी आएगा तो बाहर देख जाएगा। सॉरी सर। तुम दोनों को झगड़ लाना तो वहाँ जाकर झगड़ो। अरे मेरा नंबर मुझे जाना है। तू जाएगा क्या? हाँ मैं जाऊँगा। ए तुम लोग यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? दरवाजा अंदर से बंद है क्या? कुछ नहीं यार। तो फिर माजरा क्या है? माजरा छोटा है लेकिन तू आएगा तो बड़ा जाएगा। तुझा यार तेरी शायरियाँ सुनने का मन कर रहा था। मेरे दोस्त डीकेबी में श्रीशा बैठी हुई है, वहाँ कौन जाएगा? इसी बात का झगड़ा है। वो हीरोइन श्रीशा? हाँ यार। हाँ? वो तुम लोगों की परेशानी है क्या यार? अरे भाई एक हीरोइन के आ गई तो तुम लोग यहाँ अपना काम छोड़कर सीधे झगड़ा करने लग गए हो। वहाँ बाकी कंपार्टमेंट में सर्विस के लिए कोई आदमी नहीं है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती? चलो निकलो, जाओ अपना काम करो, चलो निकलो यहाँ से। श्रीशा का ध्यान मैं ही रखूंगा। हाँ? क्या? हाँ? इतनी देर से हम झगड़ रहे हैं अंदर जाने के लिए और तू चला जाएगा? तू बाजू हट, तुम सब जूनियर हो, मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ तो मैं ही जाऊंगा ना। अरे वो बुजुर्ग आदमी, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? मैं जाऊंगा तो कम से कम एक शायरी सुनाकर एक सेल्फी निकाल लूंगा, फिर तुम लोगों को बुला कर एक ग्रुप फोटो। ये शायरी सुनाएगा तो वो बेचारी चलती ट्रेन से कूद कर हाथ छोड़ जाएगा। हेलो हेलो, हम लोग सेल्फी नहीं ले सकते हैं क्या? दोस्त ये लेडीज का मामला है, तेरे बस की बात नहीं है, रहने दे। मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैंने श्रीशा के साथ सेल्फी लेकर नहीं दिखाई ना। कैप्टन कॉलिंग, माइक 10 कहां हो? ओवर। सर S5 में हूं सर। सर S5 में एक आदमी है सर। तो मैं झूठ बोल रहा हूं सर? क्या? ठीक से देखिए जाकर सर। S5 क्या? B2 में भी कोई आदमी नहीं है। B2 में? प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, एक मिनट। क्या गुस्सा? माइक 4 कहां से दे रहे हो? ओवर। मैं यहां B2 में ही हूं सर। ओवर। B2 में एक आदमी है, जाकर देखिए। मैं झूठ बोल रही हूं? जाकर देख लीजिए वापस। कैसे पेंट्री चला रहे हैं आप? अरे सब कहां मर गए हो? ओवर।
अरे क्यों तुम सब लोग HA1 के दरवाजे पर खड़े होकर टाइम पास कर रहे हो? सुपरवाइजर भाई आप भी ना, कम से कम मुझे तो ढंग से काम करने दीजिए ना। ऐसे क्या हुआ, अच्छों जैसी बात करने लगा? अच्छों जैसा नहीं हूँ, इनोसेंट हूँ। ऐसे ही सारे HA1 के दरवाजे पर खड़े रहो, बैटरी का दीवाला निकल जाएगा। मैं तो चला A2। सोचा था एक समझदार असिस्टेंट मिल जाएगा, पर चुगली करने वाला असिस्टेंट मिलेगा ये नहीं सोचा था। ही इज ग्रेट। ओए बूढ़े अंकल, पका क्यों रहा है रे? अरे मैं क्यों पकाने लगा? सुन मैं ही जाऊंगा वहां। ये सबसे बड़ा पकाऊ सर, सुनाई नहीं दे रहा है? ओए अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? रूल्स मतलब रूल्स होते हैं और आज ही जाना, बेकार की बात मत कर। दिमाग खा गया, सुनाई नहीं दे रहा? ओए क्या बोल रहा है ये बूढ़ा? तुम और देखते नहीं हो मारा है, सुनाई दे रहा है? ये भी तो सुनाई नहीं दे रहा है। और कता कहीं का, अरे रास्ता देख लूंगा मुंह टूट जाएगा, समझता क्या है मुझे? तुझे क्या आप सुनाई दे रहा है? नहीं सर। अब एवरीथिंग ओवर। नहीं जाने दूंगा, मैं किसी को नहीं जाने देने वाला। ओए बुड्ढे सर, सर तुम सुपरवाइजर हो या स्पाइडरमैन? ऐसे चिपक कर खड़े हो, यहाँ भीड़ क्यों जमा है? कुछ नहीं सर, वेलकम किट देनी है। मतलब HA1 में अभी तक वेलकम किट नहीं दी है? ऐसा क्या है HA1 में? सर हीरोइन श्रीसा अंदर है। श्रीसा आई है? इट्स करेक्ट टाइम टू कनेक्ट हर। श्रीसा ही आई है ना, कोई बड़ी महारानी तो नहीं है? एक हीरोइन के आगे तुम लोग काम करना बंद कर दोगे? कौन से केबिन में है? टी कोरस स्टॉप। A2 में रहने वाले मुखी कुमार, HA1 में तुरंत आ जाओ, यहाँ कस्टमर को फटाफट सर्विस देनी है। आ जाओ। ओवर। सर बिजी हूँ, कस्टमर्स को सर्विस दे रहा हूँ, आऊंगा तो काम चला जाएगा। ओवर। तुम नहीं आए तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओके सर, ऑन योर फीट सर। सर आओ, डी केबिन में श्रीसा आई हुई है। ये श्रीसा कौन है, आपके रिश्तेदार हैं? आर्टी श्रीसा को नहीं जानते? अच्छा मतलब वो फोटो बनाती है? हीरोइन है बेटा। मैं नहीं जानता। तुम सब यहाँ पर क्यों खड़े हो, निकलो यहाँ से। बेटा सर HA1 को तुम संभाल लो। सर किसको कहाँ जाना है ये मैं तय करूंगा। यहाँ से बाहर कौन निकलेगा मैं तय करूंगा। नीचे झुकने में एक हफ्ता लेता है। क्यों भाई ये चाय है? तुम्हारे पाँव भी अब तक जाम हो चुके हैं, पिछले हफ्ते अपने पोती की शादी की थी ना, बेवकूफ कहीं का। तो ये कौन है? ओए अब तक तुम लोग गए नहीं यहाँ से? चलो ये इसके हाथों में दे दो। बेटा ये उसे दे दे, देख आना। देख कर देख लूंगा। जावेद जी हम संभाल लेंगे, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपना ध्यान रखिए सर। सर क्या हुआ? जिंदगी का एक मकसद सर कि किसी हीरोइन से प्यार करके उससे शादी करूं। बहुत बारिश हो रही है सर। मतलब अच्छा शकुन जी सर। शीशा की आखिरी मूवी में उसके भीगने के बाद छाता क्यों, उसमें सब कुछ एक एक करके सर डायलॉग थे बेटा, लाजवाब थे वो। सर उस फिल्म में वो गूंगी है सर, तुम्हें तो पता नहीं था? नहीं ये सब अपने लड़के बता रहे थे सर। और बेटा सर्विस एकदम सही होनी चाहिए, कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अब किचन में तुम ही जाकर सबको बता दो कि एक बार इस्तेमाल किया हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हाँ जब भी उसे कुछ देना तो ये कहना कि मैनेजर साहब ने आपके लिए बेचा है, बोलेगा ना? उसके लिए वो भी माने तो ना सर। बेटा सर मैनेजर शब्द पर दबाव देकर बोलना। ओ ठीक है सर। हे भगवान कितना इनोसेंट है तू। ऐसा ही पला बड़ा हूँ सर। ठीक है मेरे पास आ गया ना सर, आप फिक्र मत कर। ओके सर। और हाँ जब तुम मेरे बारे में ऐसा बोलोगे ना तो वो खुद तुम्हें बुलाकर। मैं संभालूंगा सर। क्या कर लोगे? मैं देख लूंगा सर कि वो आपके बारे में अच्छा बोले। मुझे पता है तुम जरूर देख लोगे। और बीच बीच में मेरी नजरों से देखना तो तुम समझ जाओगे तुम्हें क्या करना है। मुखी मैं सब संभालूंगा सर। मैडम मैं स्लीपर में जा रहा हूँ, कुछ काम होगा तो बुला लीजिएगा मुझे। सुन मैडम का ध्यान रखना। ठीक है मामा। क्या चाहिए? क्या हुआ? पेंट्री मैडम। नहीं चाहिए। मैडम 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 मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम, आपकी आखिरी मूवी पूरी भीगने के बाद छाता क्यों सुपर मूवी है मैडम, क्या किरदार निभाया था आपने, क्या एक्टिंग की थी मैडम, हल्ला मच गया था मैडम DVD पर थिएटर में, ऐसे 20 बार से ज्यादा देख चुका हूँ मैडम। 20 बार? पहली बार में समझ नहीं आई। मैडम आप मूवी से ज्यादा सामने खूबसूरत लगती है मैडम। मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ मैडम। अरे बेवकूफ मैं श्रीशा की टचअप गर्ल हूँ। बिना टच की ले लूंगा मैडम। वो मैं श्रीशा की टचअप गर्ल हूँ। असिस्टेंट असिस्टेंट। सरोजा तुम यहाँ किससे बात कर रही हो? पैंट्री वाला है। पैंट्री बॉय आया है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ओह
ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या है? इडली, पोंगल, पूरी, वड़ा, ब्रेड ऑमलेट, केलॉग्स विद मिल्क मैडम। ऑर्डर ले लो। एक पोंगल वड़ा और एक पूरी भाजी। एक पूरी भाजी, ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट मेरे लिए इतना काफी है। इन लोगों से भी पूछ लो कि इन्हें क्या चाहिए। इतना काफी है? मैं भी डाइट पर हूँ ना। हाँ, बॉडी फिटनेस इम्पोर्टेंट। मतलब 11 बजे आपको सूप नहीं चाहिए? सूप ही है। हाँ, सूप है, बड़े बड़े पकौड़े हैं हमारे पास, समोसे बनेंगे। कटलेट मिलेगा क्या अभी मम्मी के लिए? नहीं मिलेगा, 4 बजे मिलेगा। कटलेट भी है? तो एक काम करो, पैंट्री मैनेजर को बोलो हीरोइन शीशा को कटलेट चाहिए, उसके लिए स्पेशल बनवा कर भेजें। अरे मैडम, वो मैनेजर खूसट बूढ़ा हुआ है मैडम, पागल है वो। कौन है वो मैनेजर? उसको छोड़िए मैडम, ओल्ड फेलो। आपको कटलेट चाहिए ना? हाँ। मैं बना कर लाता हूँ ना मैडम, स्पेशली फ्रेश ऑयल में बनाकर। अच्छा लड़का है ना ये, क्या नाम है तुम्हारा? मुखी मैडम। अरे मक्खी, किधर मक्खी? मैडम मैडम मैडम, मेरा नाम मुखी कुमार है मैडम। अच्छा नाम है तुम्हारा, लेकिन कटलेट फटाफट लेकर आना। आपको जो भी चाहिए तो बुला लेना। हाँ मैडम। मुखी, बार बार बुलाऊंगी। हाँ तेरी तो। हाँ सरोजा, तू मुखी का नंबर ले ले। ले रही हो ना? बोलो। हाँ? बोलो ना। 916-677, तुम और मैं दोनों हो जाएंगे एक। हाँ, तुम और कौन? 3411। तुम्हारा नंबर? मैं कॉल करूंगी, पर मैं उठाऊंगा तब ना, फालतू नंबर मैं उठाता नहीं हूँ। नोट कर लो। बोलो। 999-42-86-891। नाम? सरोजा। रोजा, आर ए जे ए। ये क्या राजा क्यों टाइप कर रहे हो? ओ, मिसिंग है क्या फोन में? फोन में लड़की का नंबर सेव करके रखते हैं, तो रात को लड़के लोग नंबर निकाल कर मस्ती करने लगते हैं इसलिए। ओ, कितना अच्छा गोल मटोल है ना। क्या? ये कुत्ता चिंकी। हाँ? ये मन कर रहा है ऐसे ही प्यार करता रहूं। रोजा 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 मुखी कुमार। सॉरी सर। जब तक वो सेट नहीं हो जाती तब तक चप्पल से ही मारोगे तो चलेगा। बेटा उससे मिले? मिला सर। क्या बोला? आपने जैसा बोला ना वैसा ही बोल दिया। गुड। और बोलो, मेरे बारे में बोल बोल कर तुम जो बिल्डअप क्रिएट करोगे तब हीरो की एंट्री जो है ना और भी मस्त हो जाएगी। करोगे ना? ऑलरेडी क्रिएट करके आया हूँ सर। और क्रिएट करो। करता हूँ सर। गुड। ऐसे ही आज्ञाकारी बने रहो। थैंक्स सर। और कुछ स्पेशल मांगा है सर? क्या? कटलेट। तो तुमने क्या कहा? वो सब पेंट्री में 11 बजे बनाएंगे, अभी नहीं मिलेगा ऐसा बराबर इनकार कर दिया है सर। किसे पूछकर ऐसा बोला? सर पेंट्री रूल्स के हिसाब से तो 11 बजे ही बनाते हैं। रूल्स आर नॉट फॉर द रूलर्स, इडियट। मास्टर। कैप्टन। क्या बना रहे हो? भाजिया बना रहा हूँ कैप्टन। उसको निकाल कर कटलेट बनाओ। ऐसे बीच में निकाल के नहीं बना सकते कैप्टन। तुम्हें निकाल कर मैं बना लूँ? बस 5 मिनट में कटलेट तैयार हो जाएगा। 5 मिनट में कटलेट तैयार नहीं होगा, कचरा तैयार होगा। आराम से समय लेकर बढ़िया कटलेट बनाओ। बेटा कितने कटलेट लगेंगे? 3 सर। 3? कहीं बीच में ये तो नहीं मार रहा? एक मेरे शीशा के लिए और एक उनकी माँ के लिए सर। और एक मेरी वाली के लिए है? और एक लड़की है वहाँ। ओ ये बात। मास्टर। या कैप्टन। 3 कटलेट, 2 राउंड और एक हार्ट शेप्ड। उसमें तीर भी मारूंगा कैप्टन? वो मैं मार दूंगा, तुम बस तलो। अरे भाई श्रीशा को देखा क्या? बताना कैसी है, सेल्फी ली क्या? श्रीशा को छोड़ना यार, उसके साथ एक लड़की थी। हाँ वो पागल मोटी जिसके पास कुत्ता रहता है, वही ना? चले गल। क्या हुआ यार? क्या क्या हुआ यार? तुझे आजकल सच सुन के गुस्सा आता है ना? हाँ बे आता है। चले गल, जाकर जावेद को बोल जा, उसकी शायरी सुनूंगा, बोल दे। बोल ना क्या सुनेगा? बाद में यार, श्रीशा के साथ एक और लड़की आई हुई है ना, वो सड़ी हुई फेस वाली, एकदम खूबसूरत अच्छी है समझा। उसको जब से देखा है तब से कितनी लड़कियों को क्रॉस करके आया हूँ, लेकिन ये अंदर तक घुसकर ऐसे तबला बजा रही है क्या? ए नाम क्या है उसका? भानु है। हा? उसका नाम गौरी है। ए S5 में, S5 में। हाँ, 20, 21, 22, 23, 24, उसका नाम रेजीना है। 26, 27, 28, 29, 30। नाम क्या बताया? सरोजा। उम्र? करीबन 19-20 होगी। बेचारी। क्यों? छोटी उम्र में शादी हो जाएगी ना किसी और के साथ। ओए घूर क्या रहा है,
तेरी किस्मत ही ऐसी काय की किस्मत। हाँ बोलो बड़ी मां। जावेद तेरी बहन फांसी लगाने जा रही है। रोहिणी को फोन दो। ये ले तेरा भैया बात करना चाहता है। बात कर बात कर। रोहिणी रोते नहीं बेटा, क्या हुआ तुम्हें? भैया मुझे जो लड़का देखने आया था मुझे नापसंद करके चला गया। वो खुद बंदर जैसा था, अगर उसे ही मैं पसंद नहीं आई तो किसी को भी पसंद नहीं आऊंगी। ऐसा नहीं बोलते बहन, शादी नहीं करती। मेरी बात मान, तेरी शादी होगी। नहीं होगी भैया, मेरी किस्मत ऐसी ही है, इस जन्म में मेरी शादी ही नहीं होगी, यही मेरी किस्मत है। रोते नहीं बेटा रोहिणी, तुम एक मिनट रुको, मैं किसी और को फोन दे रहा हूँ, वो बोलेंगे कि तुम उन्हें पसंद हो, उसके बाद देखना कितनी जल्दी तुम्हारी शादी होती है। नहीं बेटा उससे भी बढ़कर है। एक मिनट रुको, मेरी ताऊजी की बेटी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। मैं शादी वादी नहीं करूंगा। अरे तुमसे नहीं करनी है, उसकी शादी करवानी है। बस एक बार उससे बोल दे कि वो तुझे पसंद है। फांसी लगाने जा रही है, तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, बचा दे यार, प्लीज प्लीज बचा दे उसे। ठीक है बोल दे उसे। स्पीकर ऑन कर। एक मिनट बेटा, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, ये लो बात करो। हेलो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। दीदी लड़के वाले वापस आ गए, रोहिणी बहुत पसंद है उन्हें। क्या बात कर रहे हैं? सच बोल रहा हूँ दीदी, ये देखो आ गए। भाई जावेद भैया ने बोला था तभी मुझे भरोसा नहीं हुआ था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हें जरूर एक बार मेरे घर हमारे गांव आना पड़ेगा भैया। क्यों? यहाँ पर लीना मीना टीना मालिनी कई लड़कियों की शादी नहीं हुई है। तुम एक बार यहाँ आकर सबको बोलोगे कि तुम्हें वो पसंद है तो सबकी शादी हो जाएगी। जरूर आना भैया। भैया भैया लेकर आएंगे उन्हें, जरूर लेकर आऊंगा मैं। आप उन्हें लेकर पक्का लेकर आऊंगा, जरूर जरूर लेकर आऊंगा भैया, पक्का आना। कमाल यार तुम्हें, मुझे भी यकीन नहीं था कि बात ऐसे बन जाएगी। तेरे कहते ए भाई, ये ट्रिप खत्म होने के बाद एक बार गांव चलना। ए मजाक सूझ रहा है क्या? तू देख लेना, इस ट्रेन के चेन्नई पहुंचने से पहले उसे पटाकर दिखाऊंगा। अरे तू भी नसीब तो देख, तेरे बोलते ही एकदम अंधेरा हो गया। भाई वो लड़की तड़ा में ही उतर जाएगी। क्या हुआ भाई, सीरियसली प्यार करता है? बाकी लड़कियों के बारे में बोलते समय भी मुझे एहसास हो जाता था, लेकिन इस लड़की को देखते ही अंदर अजीब से एहसास होता है, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे ही ना, तब तो ये पक्का वाला प्यार है। मैं मदद करूंगा तेरी। तू कैसे मदद करेगा? फुल फिल के साथ शायरी पेश करता हूँ, वही लिख के उसे दे दे। छोड़ चुप कर। देख भाई ये काम जरूर करेगा, ये ले। छोरी छोरी, वापस से छोरी लिखना है यार, बीच में मत बोला कर, डिस्टर्ब होता है। ठीक है ठीक है। छोरी छोरी छोरी। ए तुझे कभी गाली दी है मैंने? आज मजबूर मत कर, चल जाए यहाँ से। छोरी 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 छोरी, एक चीज बार बार बोलने से शायरी हो जाती है, ये ले निकल यहाँ से। तेरा मूड ठीक नहीं है अभी, मैं तो सही जा रहा था। चल फोन पे सुना, फिर अच्छे से सुना दूंगा, चल निकल। पर एक बात है, मेरी बहन की शादी हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। थैंक्स यार, तुझे गांव जरूर ले चलूंगा। जा बोला तो। एक लोकल शेर याद आया, तुझे जरूर अच्छा लगेगा, सुन। छोरी छोरी जाना, जावेद अख्तर पे हाथ उठाता है, मेरे पास आएगा तू। क्या है ये? हार्ट है। इससे पट जाएगी वो? इसको हार्ट बोलते हैं। तो कैसे पट जाएगी? जो सिखा रहा हूं वो सीख, बहस मत कर। लड़ी बेकर सड़ा हुआ टमाटर। बेटा सर बोल कर देना। क्या बोल कर देना है सर? मेरा दिल है बोल कर देना। मेरा दिल बोल कर दे दूंगा। हाँ। अगर उसका दिल बोलेगा तब तो उल्टा हो जाएगा ना। इनोसेंट बॉय। हम तेरे बिना अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है। मैडम आपने जो अभी अपनी नई वाली फिल्म में गाना गाया था ना, उसके लिए कितने टेक्स दिए थे? एक एक लाइन 5 से 6 टेक में। 5 से 6 टेक? मैं तो कोई भी सॉन्ग बस एक ही टेक में गा सकती हूँ। वो सॉन्ग है ना, उसके दूसरे अंतरे में जाने मन वाली जगह पर थोड़ा सा सुर गया है बस, है ना? वो ऑटो ट्यून कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तेरे बेसुरे गले से निकला हुआ गाना भी ठीक कर सकते हैं वो। मुझे किसी ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही गा सकती हूँ। आखिर तू है कौन? तू श्रेया घोषाल है ना? सुनिए ना। क्या? अब जब मैडम अपनी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में जाएंगी ना, तो म्यूजिक डायरेक्टर सर को मेरा गाना भी सुनाने के लिए बोलिए ना। ठीक है, मिलेंगे तो बोल दूंगी। कटलेट आ गया क्या? लाओ लाओ लाओ। सरोजा हाँ, चिंकी को पकड़ ले। कटलेट आपके लिए मैं खास बना कर लाया हूँ।
ये क्या है? कटलेट है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, बाकी सबको राउंड शेप में दिया, मुझे हार्ट शेप में क्यों दिया? अब एक ही तो हार्ट है तो सभी को थोड़ी दे सकता हूँ, इसलिए सिर्फ आपके लिए। इसमें ये तीर क्यों बनाया? हार्ट बिना तीर का कैसे? ये हार्ट के अंदर तीर मारने का काम यहाँ नहीं चलेगा। तो कहाँ चलेगा? आखिरी बार बोल रही हूँ, आगे से जिसको भी दोगे ना एक ही शेप में देना, समझ गए? सभी एक ही शेप के हैं क्या? ए, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? चमची? नहीं, मेरे हाथ में डिब्बा और तुम्हारे हाथ में चम्मच, बस वही तो बोला। तुम अगले साल से मैं इस फर्स्ट क्लास में तो फ्लाइट में जाऊंगी, तब तुम देख लेना। फ्लाइट में जाओगी तो दिखेगा, फुटबोर्ड पर खड़ी रहोगी क्या? मैं उसके पंख पे बैठ कर जाऊंगी। सरोजा क्या कर रही है? तू है जा। अरे ऐसे लटकने से अच्छा। क्या अच्छा है? आप तो शोले के संजय कुमार लग रहे हैं सर। आप मुखी मुखी क्यों कर रहे थे सर? देखो, मुखी कुमार मेरा स्टूडेंट है, मेरे दिल को कटलेट के शेप में लेकर गया है। उसे देखकर श्रीशा, श्रीशा वो कटलेट बनाने वाले से तुरंत मिलना चाहेगी। बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं? वो नहीं सर, वो हीरोइन है। अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने बड़े लोगों से मिली होगी वो, उन सबको छोड़कर वो आपसे प्यार क्यों करेगी? उसका दिमाग नहीं खराब है? जल रहा है तू। हीरोइन को तो हर कोई पसंद करता है सर, यहाँ तक कि उन्हें कुत्ते भी पसंद करते हैं। चल जा। अरे हाँ, महाशायर जी इधर आइए। कोई ऐसी शायरी है जिससे वो फट से पड़ जाए? है ना सर, तुरंत पड़ जाएगी, प्यार का पिंजरा। तू छोड़ दे, सब कुछ ठीक चल रहा है, तू कूड़ा कर देगा, चप्पल खाएगा तू उसकी। मुखी कुमार। क्या हुआ सर? कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ, चल इधर बैठ। ये क्या, आधा दिल यहाँ पर है? उनका है ये, आपको देने को बोली है। शीशा बोली है? उनकी माँ। उनकी माँ? मेरी उम्र बताई उसे, बिना एक्सपीरियंस के लड़के को भेजेंगे तो ऐसा ही होगा। तू थोड़ा कम कर दे। उम्र ना सर। बोल ना, अब उठ और जाकर अपना काम कर। थैंक्स सर। दाना कबूतर को डालने को बोला था और एक कुत्ते को परोस कर आ गया है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुरियर बॉय तू परेशान क्यों होता है? सॉरी सर, मैं सही बोल रहा हूँ। चलना काम करना। क्या बोला बेटा? काम करना यार, काम कर। ये दिल है मेरा, मिलिट्री वाला यार, उसको दीवाना बना दिया। बना दिया ना बे, बना दिया ना, नीचे गिराए बिना ठीक से बनाना। सर आप अपना दिल बनाइए ना सर। बना दिया बेटा, लुकिंग नाइस ना। थैंक्स सर। ये क्या बेटा, तुम मेरी मदद कर रहे हो ना, तो थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। ओके सर, इस बार बिल्कुल उसे ही देना बेटा। इस बार क्या बोल कर दे दूं सर? वही, कुछ फट से दिमाग में आ नहीं रहा। मेरे दिमाग में आ रहा, फट से बोलूं? हाँ बोल 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 बोल। बुरा तो नहीं मानेंगे आप? बेटा सर, ऐसा उसे कंसल्ट करने की जरूरत है? नो 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 नो। क्या बोल कर दूं? तुझे प्यार हो गया है ना? हाँ हो गया। कुछ सूझ रहा है ना? तो बस वही जाकर बोल दे। वही बोलकर तो देने वाला हूँ। ला जवाब। बेटा सर, हम जो बात कर रहे हैं वो बिना जाने हंस रहे हैं ये लोग। वो लोग ऐसे ही सर, पागल है सर। हाँ बेटा, पागल है, पागल पागल है। बेटा तुम यहाँ रहोगे तो ये लोग तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे। हार्ट ठंडा हो रहा है, तुम लेकर जाओ। ठीक है सर। और इस बार तू उसे जरूर मेरे लिए पटा लेकर, जानता हूँ। रास्ता दे, रास्ता दे, रास्ता दे बोला। बेटा जल्दबाजी में बोलकर चला गया, जाओ जाओ। सूप है, घुल गया है। सूप को अच्छे से मिलाकर पीना तो पूरी ताकत से गाली दे सकोगी। ओ। जावेद अख्तर सर बोलिए ना, मैं ड्यूटी पर हूँ सर। क्या बात है? एक जबरदस्त शायरी आ रही है, जरा सुन लेना यार। राइटर साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं? अपने राइटर साहब है ना, लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब। हेलो मुखी। हाँ मेरा खास दोस्त है। क्या हुआ सर, डाउट है क्या? डाउट सर, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, मैं बाहर आ जाता हूँ। यार आज के बाद तू जो शायरी सुनाएगा मैं सुनूंगा। तू बोल रहा है सुनने को, मैं तो शायरी भूल गया। तू होटल में बैठकर सुनेगा तब भी तुझे कुछ याद नहीं आएगा। हाँ सर एक मिनट यार। हाँ जुल्फों के गर्म साए में सर। क्या बोल रहा है? थोड़ा यूजुअल लग रहा है सर, और भी थोड़ा कुछ बेटर ट्राई कर सकते हैं क्या सर?
अरे ये तो उससे भी पुराना लगता है सर। एक मिनट ना सर। जुल्फों की नरम छाव में कैसा रहेगा सर? ये तो पहले ही आ चुका है। अगर अच्छा है तो ऐड कर लीजिए। नकल मारू क्या सर? अपने बीच क्या धन्यवाद सर। ए, तू मेरी सुनेगा या नहीं सर? इतनी जल्दी दूसरी शायरी कैसे सर? पहली कहाँ सुनाई। ठीक है सर, मैं लिखने के बाद आपको फोन करता हूँ सर। थैंक यू सर। ए, हेलो। तेरी यादें मुलाकातें। क्या चाहिए तुम्हें? सच में जावेद अख्तर सर को जानते हो? मतलब अब मैं इतनी देर जो बात कर रहा था तुम्हें झूठ लग रहा है क्या? नहीं। वही तो ना। आप जावेद अख्तर सर को कैसे जानते हैं? वो कैसे बोले तो 6 महीने पहले ही, जैसे तुम आ रही हो ना, इसी कंपार्टमेंट में जावेद अख्तर जी दिल्ली से नेशनल अवार्ड लेकर वापस आ रहे थे। हाँ। तब मैं ही उनको बार बार सर्विस दिया करता था। एक बार सर्विस देते वक्त मैंने देखा तो वो एकदम से परेशान होकर बैठे थे। वो क्यों? तुरंत पूछोगी तो कैसे? नहीं, मैंने तुरंत पूछा क्या परेशानी है, तो बोले कि शायरी लिखने में फंस गया हूँ। वो फंस गए? हाँ, और मैं भी। फिर क्या हुआ? मैंने तुरंत 4 लाइंस फ्लो में बोल दी तो यही शायरी करके फट से लिख लिया। ऐसे ही हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। वो जब भी फंसते हैं तो मुझे फोन करते हैं। इतने क्लोज हो गए आप दोनों? आजकल खड़ी खड़ी परेशानी होती है, काम भी ठीक से नहीं होता है। सर का अभी भी देखो ना, सर कह रहे थे जुल्फों के गरम साए में, मैंने कह दिया पुराना है। उसके बाद मैंने जुल्फों की नरम छाव में कहा तो उन्हें अच्छा लगा। जावेद सर से मेरी बात करवा सकते हैं? क्यों, भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनकी तो कई म्यूजिक डायरेक्टर से पहचान होगी, तो मुझे भी कोई गाना गाने का चांस। ओ, तो तुम्हें सिंगर बनना है? सिंगर बनकर फिर अभी तुम्हें जावेद अख्तर जी से बात करनी है, बस यही ना? मसाला चाय। हाँ बोल। जावेद अख्तर जी। छोरी छोरी सर, सर, छोरी सर, अभी तक सोचा नहीं है सर, लिखते ही भेज दूंगा सर। अरे तू क्यों सोच रहा है, यहाँ तैयार है। देखा, इतने में और पूछने लगे हैं, गाड़ी अभी तक आगे बढ़ी नहीं। क्या बड़बड़ कर रहा है? जावेद जी, अपनी पहचान की एक लड़की है। ओ। नाम सरोजा है, बहुत ही खास है, उसको सिंगर बनना है। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? जावेद जी, आपकी तो प्रीतम जी, AR रहमान जी ऐसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ पहचान है सर, इसलिए थोड़ा इसकी भी हेल्प कर देंगे तो सर लाइफ बन जाएगी। रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे। समझ रहे हो ना सर? हाँ समझ गया मुखी, वही ना? हाँ वही सर, वही। फोन दे उसको। हाँ बात करो, बात करो। जावेद सर है? हाँ हाँ बात करो ना। हेलो जावेद अख्तर सर, मैं सरोजा, मेरी बहुत इच्छा है सर कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं। इच्छा जो है ना वो किसी की भी हो सकती है, इसलिए सर मुझे गाना गाने का एक चांस, मुखी के दोस्तों सिर्फ इसीलिए, इसलिए नहीं। हाँ सर, मेरा टैलेंट, सिर्फ मेरा टैलेंट देखकर। कैप्टन कॉलिंग माइक टू, कहाँ हो? ओवर। रहमान के घर से बुलावा आया है, लगता है तुरंत जाना होगा। दरअसल एक गाने पे चर्चा करनी है हम दोनों को। कल शाम तक उनके साथ ही रहूंगा। सरोजा एक काम कीजिए, मुखी के साथ बैठकर गाना रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। ओके सर, रहमान सर से प्लीज मेरे बारे में बात कीजिएगा। देखो बेटा सरोजा, अपने मुखी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्त ही सबसे बढ़कर होते हैं। जरा मुखी को फोन देना। तो जावेद सर की आवाज़ तो देवानंद जी से काफी मिलती है। अच्छा। तो जावेद जी, सुना ना आपने, आपकी आवाज इन्हें देवानंद जैसी लगती है। सेट हो रही है, तू बिगाड़ना चाहता है क्या? हाँ रखता हूँ सर, भेजता हूँ सर। ओके रखता हूँ सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कौन सा गाना गाऊं? मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा। अरे मैडम का सूप, मैडम को सूप देकर आती हूँ 10 मिनट में, तुम यही वेट करना। इंडियन गाऊं या वेस्टर्न गाऊं? नहीं नहीं नहीं, रहमान सर का कोई इंडियन म्यूजिक वाला गाना गाती हूँ, इंडियन ही अच्छा लगेगा। हाँ ये जगह तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ चलो गाओ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ। बस बस, तुम जो गा रही हो वो तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, अच्छे से सुनाई दे रहा है। तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा? कान में कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक तो नहीं है। ए, मैं सिंगर हूँ बोलकर तुमने मेरा बकरा बनाया था ना? मैं क्यों बकरा बनाने लगी, मैं सच में बहुत अच्छी सिंगर हूँ। कसम से सिंगर हो? वो क्या है ना, आवाज थोड़ी अजीब सी अलग सी निकल रही थी इसलिए। वो शूटिंग्स में अलग अलग जगह का पानी पीकर थ्रोट थोड़ा सा खराब हो गया है। थोड़ा सा? हाँ।
स्कूल में सब मुझे कहते थे कि मेरी आवाज चित्रा मैडम जैसी है। छोटे छोटे प्राइज भी जीते हैं मैंने। मम्मी भी कहती हैं कि मेरी आवाज श्रेया घोषाल जैसी है। पता नहीं अब ऐसी क्यों हो गई। मतलब गला खराब होने की वजह से ही आवाज ऐसी निकल रही है, ये बोलना चाहती हूँ? हाँ कसम से। मानता हूँ, पर जावेद जी को कैसे भी कल तक भेजना ही है, और तुम तो 2 बजे तक उतर भी जाओगी। उसके पहले कैसे तुम्हारा सुर सही करूं, कैसे सिंगर बनाऊं? इलायची और काली मिर्च डालकर थोड़ा सा दूध मुझे मिलेगा? थोड़ा क्या, बहुत मिल जाएगा तुम्हें। वो पीऊंगी तो मेरी आवाज ठीक हो जाएगी, फिर गाना गाकर रहमान सर को सुनाऊंगी और रहमान सर उसे सुनकर मुझे चांस देंगे और फिर मैं फेमस सिंगर बन जाऊंगी। बन जाओगी? अरे बन गई। इस साल तुम्हारे ही गाने हर गली में बजेंगे, तुम्हारी आवाज सुनकर लोग कैसे मरेंगे देखना। जरूर मरेंगे। ओहो, बहुत टाइम हो गया है, मैडम ढूंढ रही होंगी, मैं चलती हूँ। तुम दूध लेकर आओगे ना? अरे तुम टेंशन छोड़ो, मैं लंच टाइम में दूध के साथ आता हूँ। बड़ी इलायची और काली मिर्च डालकर लाना। हाँ, डाल के ही लाऊंगा। थैंक्स। सच में मैं सिंगर बन जाऊंगी ना? तुम पक्का सिंगर बन जाओगी, आधी प्यारी कोयल चित्रा की तरह और बाकी श्रेया घोषाल की तरह। अब से तुम्हारा नाम चित्रा घोषाल। चित्रा घोषाल। DC Express is now arriving at platform of the National Award for the Best Female Playback Singer of this year 2016 goes to Chitra Ghoshal. Hey ma'am, ma'am, हो तो सेंट्रल मिनिस्टर, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि रिजाइन ही कर दो। आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। ए जिमी, ए वेंडर भाई, यहाँ पर सोने का नहीं, चल जा जा। ए जिमी, जिमी यहाँ देख, जिमी। अरे चुप रहना। कौन है तू? वेंडर सर। यहाँ क्या कर रहा है? समझा नहीं सर। नॉर्थ का है क्या? हाँ, इसीलिए यह हाल है। आईडी दिखा। नाम क्या है? मुकी सर। जोर से बोल, मुकी कुमार सर। ए, चिल्ला क्यों रहा है, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? आपने ही तो जोर से बोलने को कहा था ना सर। ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, अंदर आना मना है, आउट। ओके सर। ए, बहुत गर्मी है तुझे। नहीं सर। सर सर सर, वेंडर सर, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, टी कुछ पीएंगे? गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। ओके सर। सर लंच टाइम में कॉफी आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। हाँ माँ। बेटा खाने के बाद तूने दवाई खा ली थी ना? नहीं, खाना भूल गया। कैसे भूल गया बेटा, तुझे पता है ना दवाई खाना। मैं बाद में खा लूंगा। बेटा दवाई खाकर थोड़ा आराम। मैं आराम करूंगा तो आप यहाँ काम करेंगे? ऐसा नहीं तो फिर आराम कैसे कर लूं? दवाई समय पर नहीं खाएगा तो तकलीफ तुझे ही होगी ना, और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एक ही बात बार बार क्यों बोल रही हैं आप? क्यों बोल रहा है बेटा? फोन रखिए। बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है? फोन रखिए आप। बेटा फोन रखने को बोल रहा हूँ। अच्छे के लिए कह रही हूँ बेटा। देख क्या रहे हो? आई एम ओके राइट? हाँ ठीक हो। एक्सक्यूज मी सर, मैं कम इन। अंदर आ गए, आ जाइए। सर गुड मॉर्निंग सर। आई एम पैंट्री मैनेजर चंद्रकांत। आई एम नॉट ओनली मैनेजर, एक्स मिलिट्री सर। इंडियन रेलवेज में बेस्ट पैंट्री हमारी है, इसकी एक ही वजह है, वो हूँ मैं। ऐसा सब बोलते हैं सर, कुछ लोग बोलते हैं सर। यहाँ कोई भी VVIP आए तो मैं खुद आकर सर्विस देता हूँ सर, क्योंकि ये वेंडर लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकते सर। सर नाइस ना सर? मैंने कोल्ड कॉफी नहीं मांगी थी। सर कॉफी गुड। ये कब हुआ? बस सेफ्टी में। सर ये वेंडर वो है ना सर, मेरा शिष्य है सर। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप। मैं बुला लूंगा। थैंक यू सर। लेकिन तुम बताना, इस लड़के को भेजना। सर तो फिर मैं। बंद करके चलते हैं सर। फ्लास्क, फ्लास्क कहा मैंने? चलता हूँ सर। चलिए। देखा ना? देखा। अरे वो वाला देखा नहीं, कितने बड़े इंसान हैं, दूसरे बड़े इंसान से छोटे की तरह काम नहीं करवा सकते, इसलिए प्यार से बाहर भेज दिया। इनकी तरह ब्रॉड वाइट ओपन रहना चाहिए, ये सब बड़े गिफ्ट होते हैं, तुम जैसी नेक्स्ट जनरेशन को समझना चाहिए। ये सब छोड़कर तुम्हें बुलाया, मुझे बाहर भेज दिया, ये सब बेकार की बातों की चर्चा मत करना। ऐसा भी होता है सर? तेरा मुंह अब और कैसे बंद करवाऊं? शीशा, इट्स करेक्ट टाइम टू कनेक्ट हर। सरोजा जरा मेरा पैर दबा दे। शीशा के पैर देखो तो अच्छे से देखते है ना सर? तुम कौन हो?
मैं टीटीआर पेंट्री मैनेजर। अरे आंटी मैं आपको सोच कर नहीं आया था। मैं किसको सोच कर अंदर आया था? मम्मी पता नहीं कौन है, क्या कर रही है, छोड़िए ऐसे यहां पर। चुप कर चलो, दिमाग नहीं है क्या? इज दिस द वे टू बिहेव? श्रीसा जी आप मुझे गलत मत समझिए। शट अप एंड गेट लॉस्ट। इसे तो चप्पल से मारना चाहिए। देख क्या रही है, जाकर चीफ टीटी को बुला। इसे तो छोड़ो, क्या मुझे चप्पल मारिए। स्टेशन में उतर कर तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगी। माजी 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 कंप्लेंट की जाए, इतने बड़े इंसान नहीं है, बूढ़े हो गए हैं। तो बूढ़े लोग ऐसा करते हैं क्या? बदमाश कहीं का। पागल है माजी। पागल हुए? चुप रहिए सर, यहाँ से जाना है या नहीं? जाना है। चीफ टीटी को बुला अभी। कुछ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, समझता क्या है? मेरे लिए इनको माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारे लिए माफ कर देती हूँ। माफी मांगिए सर, माफी मांगिए। मैडम सॉरी मैडम। थैंक यू मैडम। सोचने पर भी थैंक्स बोल रहा है सर। चलिए, तूने सब कुछ ओपन करके रख दिया। सर आप ही ने कहा था जो भी करो ब्रॉडली वाइडली और ओपनली करो। वो तो मन की बात के बारे में कहा था। सॉरी सर, आपकी आंखों में एक हवस की प्यास दिखाई दी मुझे। हवस की प्यास? क्यों भाई, मैं तो हंसते हुए देख रहा था, वो तुझे हवस लगा? सॉरी सर, यहाँ जो हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चुपचाप निकल चलते हैं। चिंकी, चिंकी यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक्स सर। साउथ क्यों क्या? हाँ सर, आप ही साउथ से हैं? हाँ। साउथ में कहाँ से? चेन्नई से। ओ, मैं त्रिवेंद्रम से। तुम्हारे साथ वहाँ और कौन है? वो एक्ट्रेस श्रीशा है ना, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। सर आपको उनके साथ फोटो खिंचवानी है? नहीं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? चित्रा घोषाल। मेरा नाम तुम चित्रा घोषाल बनो ये मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी से भी बात करते घूमोगी तो गला और भी खराब हो जाएगा। अभी जावेद अख्तर जी से बात हुई थी, उन्होंने रहमान जी को बता दिया। दूध तैयार है, तुम तैयार हो जाओ। मैं बस मैडम को खाना दे कराती हूँ। क्या बकवास कर रहा था उसे? सर वेज मील लेंगे या नॉन वेज मील? मैं बात कर रहा था तो बीच में क्यों बोला? बात करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, अभी तो बस खाना ही मिलेगा सर। जहाँ बोला वहीं पोस्टिंग कर दिया ना। गुड आफ्टरनून सर। ऐसे उनकी इज्जत कौन करेगा? रख दिया क्या? हाँ सर। दोबारा कॉल मत करना, हमारी बात ना सुनने की ठान ली है उसने। ज्यादा बोलोगे तो कहेंगे कि केंद्र ने यह फैसला लिया था, इसलिए मेरी अब सॉरी सर। बेटा जरा बाहर जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। कहीं आंख न लड़ जाए। सर वेज मील या नॉन वेज मील? पार्टी इस लड़के के जैसी होनी चाहिए। छोटी सी ही गलती थी लेकिन उसे भी साफ कर गया। और एक तुम लोग हो। हमारे स्टेट की लड़की को तू ऐसे ही पटा लेगा? सर आप क्यों इस तरह ये स्टेट वो स्टेट की बात कर रहे हैं? हम सब तो ऑलवेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं सर। तो वो लड़की तुम्हारी बहन लगती है? उसकी बहन मेरी बहन है। तो उससे रिश्ता हो गया तेरा? हो जाएगा तो ना नहीं करूंगा। हा? नहीं मतलब हम किसी काम से पीछे नहीं हटते, ऐसा कहा सर? वो देखिए डी कैबिन में श्रीशा आ जा रही है, वो भी दूसरे स्टेट की है, लेकिन रहती तो हमारे ही स्टेट में है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, गुप्ता अग्रवाल चोपड़ा सारी हीरोइंस को हम ही तो मौका देते आए हैं। ऐसे कई लोगों को मौका देकर उनकी जिंदगी बनाकर हम तो बस आगे निकलते चले जाते हैं। तुम लोग कभी आगे नहीं निकलोगे। तुम्हारे यहाँ टैलेंट होता तो बाहर की लड़कियाँ तुम्हारे यहाँ आकर हीरोइन को बन जाती। ऐसा मत बोलिए सर, हमारे यहाँ की लड़कियाँ बॉर्न आर्टिस्ट हैं। लड़कों से पूछकर देखना क्या एक्टिंग करती है, बता देंगे। लेकिन क्या है ना, उन्हें सिनेमा में काम करने का इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो हमारे लोग भी कुछ कम नहीं है सर। बड़े लोग हैं। तुम्हारा मिनिस्टर बड़ा आदमी है ना, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए चीफ कमांडर नंद कुमार है, साउथ का है, समझा ना? सर हम भी तो बड़े ही है ना सर, फिल्में तो देखते ही होंगे ना आप। आपके शहरों में भी हमारे ही लोग हिट है, सारे सुपरस्टार्स हमारे ही स्टेट के हैं। और रजनीकांत वो तो हमारी तरफ का है ना। लेकिन काम तो हमारे स्टेट में करता है ना, वो बात इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, जाने दीजिए ना, ऑल इंडियंस बड़े लोग हैं सर, हम बस दोस्त हैं। शाम को दो कटलेट एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा सर, इस गन के साथ एक सेल्फी लूं क्या? सर ये क्या है सर, सिर्फ छूकर ही तो देख रहा था ना। छूकर? ये तुझे कोई खिलौना लगता है जो तुझे छूकर देखेगा? तेरे बस की चीज नहीं है, तेरी तो चाहे। इसके लिए पढ़ाई किया, ट्रेनिंग लेकर एसआई बना, कमांडर के 100 दिन कैंप करके गन हासिल की है। छुएगा सर, मुंह बंद रख। दो कौड़ी का चाय बेचने वाला बेवकूफ, तेरा चेहरा देख के घिन आ रही है मुझे, तो उल्टी आ रही है। क्यों सर? क्यों सर? सांप नेवले को क्यों पसंद नहीं करता, इसका जवाब है तेरे पास? तू बस मुझे पसंद नहीं है, यू आर जस्ट गार्बेज। मतलब कचरा, वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट। सर नहीं सर, बुरा लग रहा है सर, जैसे तैसे अपनी जिंदगी ट्रेन में गुजार रहा हूँ। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने सर? अगर मैंने कुछ गलती की है तो माफ कीजिए। घिन आती है, तेरा चेहरा देखते ही घिन आती है। तू जा, तू इस तरफ सर्विस के लिए मत आना, अपने मैनेजर को भेज। यहाँ ठीक है सर। ए बेटा जरा इसमें दाल डाल दो। नहीं मुझे यहाँ काम करने से मना किया गया। दाल नहीं डालने का ऑर्डर तुम्हारे पास दिल्ली से आया है क्या? किसने मना किया? जी सर मैं नहीं आऊँ, पेंट्री मैनेजर ही आकर सर्विस करेगा सर ने बोला। कौन है बेटा वो? बाहर खड़े हैं सर। जरा बुलाओ उसे। सर बुला रहे हैं सर। सर आइए सर, आप यहाँ आकर बैठिए, मैं वहाँ गन पकड़कर खड़ा हो जाता हूँ। क्यों भाई, मेरे लिए दाल कौन लाएगा क्या ये भी डिसाइड नहीं कर सकता? पेंट्री मैनेजर को मैंने ही कहा था कि वो इसे भेजे, और तुम हो कि पेंट्री मैनेजर को ही यहाँ आने के लिए कह रहे हो? दोनों मिलकर खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने का प्लान कर रहे हो क्या? क्यों जी, तुम्हें शक नहीं हो रहा है? हो रहा है सर।
सर हाँ। आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना खाकर चेक करता हूँ फिर आप खाइएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अब मैं आपका जूठा खाऊं? किस बात की गर्मी है तुम्हें? मेरा वो मतलब हाँ, मुझे लगता है कि तुमने ये सोच कर रखा है कि जो मच्छी मटन मिनिस्टर के लिए आएगा वो तुम खाओगे। सर मैंने उस एंगल से नहीं बोला था सर। अरे भाई तो इस एंगल से बोलो, कुछ तो बोलो। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे घिन आती है, दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे लोगों को भर्ती कैसे कर लेते हैं, एकदम जाहिल लग रहा है। चलो बाहर निकलो। ए, उस बच्चे को क्यों घूर रहे हो, जाओ। सर आजकल तो वॉचमैन भी हमारी इज्जत नहीं करता। बेटा तुम जरा 10 मिनट बाद आना। ठीक है सर, आता हूँ सर। तूने मुझे फंसाया ना? नहीं सर, शब्द एक बीज की तरह होता है सर। हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा उगेगा और बुरा बोएंगे तो। पर आपको इतनी जल्दी फल मिलेगा ये नहीं सोचा था। मैं तैयार हूँ। सर जब हमें सब पसंद आएंगे तो ही हम सबको पसंद आएंगे ना। चलो चलो। देखिए पसंद आया ना? बेकार की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो यहाँ से। हाँ चलते हैं चलते हैं। ए, ट्रेनिंग के दौरान हमारे बैच के 2 आदमी मिस हो गए, लेकिन हकीकत में वो मिस नहीं हुए। बी केयरफुल। क्या कहा इसने? मुझे भी समझ में नहीं आया। दरवाजा बंद कर लेते हैं। हाँ कर दो। और एक ग्लास दूध पियोगी? नहीं नहीं काफी है। थ्रोट ओपन हो गया, अब देखना कैसे गा। हाँ? अच्छा। ये कैसी आवाज थी? हिचकी। किसे आई? बुजुर्ग को। ओ आखिरी थी। इतनी अच्छी आवाज है ना? बहुत ही अच्छी। यहाँ बहुत से बुजुर्ग हैं। हाँ? एक साथ मत भेजो। हाँ? एक एक करके भेजेंगे। हाँ? क्या सर? माइक 10 कॉलिंग। अर्जेंट आना है क्या सर? अभी आता हूँ सर। रुको रुको, सर को व्हाट्सएप पे गाना रिकॉर्ड करके भेजना है, अभी मेरा गला बिल्कुल खुल गया है। मेरे 4 बजे के स्नैक टाइम पर आने से पहले तुम्हें कुछ गाना नहीं है, कसम खाओ। बस एक बार वादा करो। मैं आता हूँ। वो कमीना ऐसे ही बोलता रहता है, छोड़ना। क्यों रहा है? क्या तू भी? तू रो क्यों रहा है? भाई मैं तो ठीक से ही काम कर रहा था, मैनेजर ने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि तू इस पर बात क्यों नहीं करता। पर इस पर बात कैसे की जाती है मुझे नहीं पता भाई। उसने मुझे माँ बहन की बहुत गालियाँ दी और उल्टा सुल्टा बोलने लगा। मैंने कुछ कहा भी नहीं और उसने मुझे काम छोड़ कर जाने के लिए कहा। ठीक है पहले रोना बंद कर। आजकल उसकी हरकतें पागलों जैसी हो गई हैं। पागल जैसी नहीं, चल उसको पागली बना। तुसी काम कर के दो ना। कम पैसे में यहाँ नहीं मिलते हैं, जाओ जाओ। सही बोल, बोल। चलो बोलो। H1 में मिनिस्टर को वेज सलाद चाहिए सर। A2 और A3 में सर्विस सही नहीं है, पैसेंजर्स ये कंप्लेंट कर रहे हैं सर। A2 A3 ही नहीं, सभी कंपार्टमेंट में से कंप्लेंट है। एक भी सेल्समैन वहाँ पर नहीं जा रहा है। मेरी नजर में आ गए ना तो सब किसी को मार डालूंगा मैं। मतलब उस मर्डर केस में तेरा भी हाथ है? ए, कौन सा मर्डर केस? कौन बोल रहा है? कौन है जो DSP सिंघम से इस तरह बात कर रहा है? सिंघम सर, DSP सर, सर मैं पेंट्री मैनेजर चंद्रकांत बोल रहा हूँ। पेंट्री को छोड़कर तू क्यों मर्डर केस में इन्वॉल्व हुआ? क्या मर्डर? 11 बोलिए सर। इस कॉल को अभी ट्रेस करो, इसको अरेस्ट करना है। ओके सर। सर मैं सर माइक 10 कॉलिंग। हाँ बोल। क्या है सर ये अरेस्ट? सिंघम नाम का कोई बात कर रहा है। तुझे भी सुनाई दिया ना? मुझे भी सुनाई दिया था। क्या है सर? लगता है क्रॉस टॉक हो गया था। कॉल ट्रेस कर लिया सर, गाड़ी झांसी से नागपुर जा रही है। अक्यूज नेम चंद्रकांत सर। क्या चंद्रकांत? अक्यूज सर, दही चावल और भिंडी की सब्जी बेचने वाला एक सीधा साधा इंसान सर। तो उसे तुरंत अरेस्ट करो और 3rd degree पनिशमेंट स्टार्ट कर दो। यस सर। 3rd degree पनिशमेंट क्या है सर? मेरी बात आप क्यों नहीं समझ रहे सर? मुझे छोड़ दीजिए सर। मैं वसीम अकरम बोल रहा हूँ। वसीम अकरम सर, आप तो एक क्रिकेटर है ना, आप कैसे मेरी लाइन में सर? अरे वसीम अकरम नहीं यार, वसीम खान, वो सनी देओल की फिल्म में आता है ना। जी हाँ मैं वसीम खान बोल रहा हूँ। खान? आप कौन से खान? इस DC एक्सप्रेस में RDX और टाइम बॉम्ब रख दो। पर उसके लिए उस चंद्रकांत ने मना कर दिया था। उस चंद्रकांत के सिर पर बंदूक रखकर गोली मार दो। मुझे क्यों यूज कर रहे सर? माइक 10 कॉलिंग। हाँ बॉम्ब, ये RDX बॉम्ब, ये सब क्या है सर? हाँ यार मेरे साथ भी ऐसी बातें हो रही है, कोई टेररिस्ट है जो थोड़ी देर में हमारी ट्रेन में बॉम्ब लगाने वाला है यार। आप डर क्यों रहे हैं सर? क्या डर? मैं क्यों डरने लगा? ए, मैं कैप्टन चंद्रकांत हूँ, ये लोग बॉम्ब रखेंगे, मेरे पास भी एक दिमाग है, मैं खुद ही बॉम्ब रखूंगा। मतलब बॉम्ब रखेगा, मर्डर केस प्लस बॉम्ब केस,
है 407। यस सर। इसके लिए तुरंत शूट एट साइट का ऑर्डर दे दो, साथ में टीवी और पेपर वालों को भी बता दो। सर, माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं बम नहीं रखूंगा सर। मेरी बात नहीं सुनेगा तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। मतलब बम रखने के लिए अगर वो राजी नहीं हुआ तो गोली मारकर शरीर में छोटे छोटे छेद कर देंगे। खान, वसीम खान। खान सर, मैं 10 लोगों को काम पर रखकर उनको डरा धमका कर किसी तरह अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। अब मैं कैसे आपको समझाऊं कि तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सुमित पटेल जी? सुमित पटेल जी, ग्रीन एफएम। मुझे कभी खुशी कभी गम से बंदे मातरम गाना सुनना है। अरे मैं सुनील पटेल नहीं हूँ यार। आप लव गुरु है। मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा झगड़ा चल रहा है, आप उसे सॉर्ट आउट कीजिए। मैं बीच में घुसकर दलाल का काम करता हूँ। मतलब तू दलाल का काम भी करता है? So, murder, bomb, देह धंधा सब कुछ करता है। इंस्पेक्टर, यस सर, लगता है ये दाऊद के कॉन्टेक्ट में जरूर होगा। दाऊद नहीं, वसीम खान। अब तुझे भी टीम में भर्ती कर रहे हैं। कर रहे। तू अपनी जान देने के लिए तैयार हो जा। हेलो। क्या है ये? मैं तुम पर चिल्लाया इसीलिए टॉर्चर कर रहे हो मुझे? सर, मैंने तुमसे क्या मंगाया था? वेज राइस सर। वेजिटेबल सैलेड। नहीं सर, आपने वेज राइस ही मंगाया। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? दोपहर में मुझे खाना खाते हुए देखा था ना, अभी फिर मुझे चावल खिला रहे हो? भुखड़ दिखता हो क्या मैं तुम्हें? क्या मांगा था मैंने? वेज सैलेड ही मांगा था सर आपने। गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए, उल्टा तुम आर्ग्यू कर रहे हो। सॉरी सर। सॉरी बोल दिया तो हो गया? जो काम कहा जाए अगर नहीं कर सकते तो क्या झक मारने के लिए यहाँ हो? सर क्या सर क्यों रहे हो? क्यों कर रहे हो? तुम मेरे लिए ही काम करने आया है ना? गवर्नमेंट के लिए आया हूँ। गवर्नमेंट के लिए? इसको बाहर जाने को बोलो। बाहर जाओ। जाओ। अरे पहले तो वसीम खान बोलकर उसकी हालत खराब कर दी थी, डीएसपी सिंघम का नाम लेते ही उसकी तो और हवा टाइट हो गई। हमने तो ये भी सोचा करोगे तो मुझे भी बुलाना, अब मैं गाना गा सकती हूं। तुम वो भूलोगी ही नहीं। हंस क्यों रही है? बोल, क्यों हंस रही है? सर इज्जत से बात कीजिए। ओए, अकल नहीं है क्या? उसे लात क्यों मारी? ए, सिर्फ उसे ही नहीं, तुम दोनों को लात मारूंगा मैं। ए, सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? बताओ तुझे, दो कौड़ी का चाय वाला? नहीं मुखी, आप हट जाइए सर। त्रिपुजी जाने दो ना मुखी। प्लीज सर, आता हूँ। सर बुला रहे, आना। आया सर। मुझे डर लग रहा है मुखी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम इतना डर क्यों रही हो? वो कर क्या लेगा तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है, मारा ना उसे, उसे देख लूंगा। अब तुम जाओ। मार दिया यार उसको, ट्रेन थी इसलिए छोड़ दिया, वरना मार ही डालता मैं उसको। एक लड़की की वजह से किसी लफड़े में मत पड़ना, तड़ा के बाद वो अपने रास्ते तू अपने रास्ते। ऐसा किसने बोला तुझे? ट्रेन नंबर 11015 डीसी एक्सप्रेस के लोको पायलट मिस्टर देवराज आज रिटायर हो रहे हैं, उनकी 30 साल की सेवा काफी सराहनीय है। अब वही सब कुछ है मेरे लिए। मतलब तू सच में प्यार करता है? तो क्या तुझे ये खेल नजर आ रहा है? दोस्तों, देवराज सर आज रिटायर हो रहे हैं। ये फिर चालू हो गए, उसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर उनका विदाई समारोह रखा है। बधाई सर। देवराज ए हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। कांग्रेचुलेशन सर। जब तक उसकी आवाज नहीं सुनी थी तब तक ठीक था, अब उसकी आवाज सुने बिना रहा नहीं जा रहा है। अब मुझसे भी रहा नहीं जाता यार। मार खाएगा तू। लेकिन एक बात तो है, तेरी वाली एक तरह से मेरी बहन जैसी है। वो कैसे? हम दोनों का ही टैलेंट किसी को नजर नहीं आता भाई। बेटा, तुम्हें पता नहीं है, अपनी औकात जाने बिना किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। सुन, प्यार के बारे में बोल रही है। रहता है कुछ भी। सुन भाई, इस सैड सिचुएशन में एक छोटा सा शेर। चुप रहे यार। क्या हुआ, आपकी आवाज अजीब सी लग रही है, कुछ सोच नहीं है? वो पिछले 35 सालों से इस रेल से जुड़ा हुआ हूँ ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, पर चलेगा, आगे से तुम लोगों के साथ रहूंगा। डैडी, आप वहाँ से निकल चुके हैं? तुम अभी तक सोए नहीं क्या? नहीं डैडी, और फंक्शन कैसा अच्छा था? था। हाँ, मेरी नौकरी चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, पर मेरी माँ नहीं चाहिए। माँ के साथ चैन से रहा जा सकता है? चैन से रहना है तो अपनी माँ के पास चली जाओ। मैं क्यों जाऊँ? हो गया, न तुम जाओगी न माँ के साथ एडजस्ट करोगी, बस हमेशा मेरे सर पर बैठकर झगड़ा करती रहोगी। फैसला नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। बोलो मत करके दिखाओ। बच्ची के साथ मर जाऊंगी। फोन रख, फोन रख। दिमाग खराब करके रख दिया। हाँ बोल ना बेटी। दवाइयाँ खा ली ना आपने? अरे भूल गया। कितनी बार बोलना पड़ता है आपको? अब तो डांट मत, ठीक है? पापा इज ऑन ड्यूटी, अब मैं फोन काटता हूँ, बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ बाय बेटी, बाय।
ट्रेन नंबर 11015, गार्ड सिग्नल क्लियर करो। प्रोसीड। ओके। प्यार करके देख तब तुझे पता चलेगा उसका दर्द क्या होता है। मिस्टर मुखी कुमार, हो गया ना पानी? अब समझ आया प्यार का दर्द क्या होता है? इसलिए दूसरों का प्यार खेल समझने पर खुद का प्यार खत्म हो जाता है। आपने जो किया था वो प्यार था? तो? कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा मेरे मुंह से। मुखी कुमार, सॉरी सर। इट्स ओके। बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तेरा प्यार सिंसियर है, इसलिए फिकर मत कर। वर्कआउट होने तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हैप्पी ना? थैंक यू सर। मुखी, एक मिनट, मुझे अपनी औकात समझ में आ गई है। शीशा मुझसे नहीं पटने वाली, बट एटलीस्ट उसकी माँ को, अगर उसकी माँ को तो किसी तरह से मेरे लिए पटा दे तो तुझसे हो जाएगा बेटा। मुझसे हो जाएगा, आपसे हो पाएगा? क्यों नहीं होगा बेटा, पटा के तो दे। अबे तेरी तो, रुक बताता हूँ। क्या हुआ बेटा, तू क्या ढूंढ रहा है? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। अभी देता हूँ। क्या ढूंढ रहा है? अरे अरे क्या कर रहा है तू? अरे मुझे क्रॉस कर रहा है तू? अरे मुझे क्रॉस कर रहा है। मुझसे, अरे उसकी उम्र हो गई यार, छोड़ो। उम्र हो गई है तो हिसाब से बात करना चाहिए ना। भाई क्या दूसरों के बारे में इस तरह बात करता है? वो देख भाग रहा है। यार इतनी रात को आंख में चोली खेल रहा है, मैनेजर को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे। ये सब मैनेजर की वजह से हो रहा है। अरे सो जाओ सब, मुझे बचा लो बेटा। ए, तू भी चुपचाप सो जा। तू अभी तक यही है क्या? इस जा रहा हूँ मैं। बोलो ना, मैंने खा लिया है। मुझे पता है तूने नहीं खाया होगा। कब खाएगा बेटा, हमेशा ऐसा ही करता है तू। ठीक है, खा लूंगा, फोन रखो। ठीक है, जल्दी खा ले। हाँ, ये लोग भी इंसान को पागल बना देंगे। अटेंशन, कॉशन। अजीब है, डबल येलो डाला हुआ है, अटेंशन पर कॉशन बोल रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? चुप रह, अकल नहीं है तुझे? फोन रख, फोन रख। कब से देख रहा हूँ तुम काफी अजीब से लग रहे हो आज। सॉरी सर, फैमिली प्रॉब्लम। क्या फैमिली है? हम पर भरोसा रखे पीछे इतने लोग चल रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ट्रेन में चढ़ते ही फोन ऑफ कर देना चाहिए, पता नहीं क्या। सॉरी सर, अभी ऑफ कर। जल्दी करो आप। खाने के लिए कुछ गरम मिलेगा? मैडम ने पूछा है। गरम चाहिए? हाँ। अभी तो मैं ही गरम हूँ, चाहिए? पूछ कर आओ। कहाँ जा रही हो? मैं पूछ कर आती हूँ। उसकी ट्रेनिंग में हो ना। मुखी कहाँ है? भूखी कहाँ है? उस भूखी के चक्कर में तो मेरा ये हाल हो गया है, वो मुझे मारने के लिए उतावला है। वो बुढ़िया कहीं चल रही होगी, देख ले। वो नहीं, मुखी, मुखी, मुखी कुमार वहाँ होगा वो। उसको मत बोलना कि मैं यहाँ हूँ। बेटी, उसकी माँ से उसे इतना लगाव है। नहीं, रहने दो, तुम जाओ, ये जाकर उसे मत बोल देना। पता नहीं मैं भी क्यों बकबक किए जा रहा हूँ। सर, क्या है रे? ये लड़की क्या पूछ रही थी? मैं तुम सबको कब मारने वाला हूँ ये पूछ रही थी। तो आपने क्या बोला उसे? मैंने बोला कि मैं तुम सबको एक साथ उड़ाने के लिए ट्रेन में बम लगाने वाला हूँ। मुखी, मुखी, लड़की यहीं पे है। नहीं यार, मुझे छोड़ दो। अरे उससे डर लगता है ना तुझे? डर ना, उड़ा दूंगा तुझे। ए, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही। क्यों, उस आदमी की बात सोचकर अब तक डर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। फिर गाना है क्या? वो भी नहीं। अच्छा, तुम्हें देखने का मन किया तो आ गई। मेरा मन आज बहुत खुश है, एक गाना गाऊं? अभी कहा था मन में बहुत खुशी है,
तो फिर गाना क्यों? अरे यार, जब भी मेरा मूड करेगा तो गाऊंगी ना। क्या मूड? गाने का। ओ। क्या हुआ? क्या है ना, यहाँ भी थोड़े बुजुर्ग लोग तो हैं। हाँ? क्या क्या कहा? वो सो रहे होंगे ना, तो तकलीफ होगी इसलिए। अगर बिना डिस्टर्बेंस के गाना रिकॉर्ड करना है तब तो ट्रेन की छत पे जाना होगा। सुपर्ब आइडिया, अच्छा है। यहाँ के लोगों को ऊपर भेजने से अच्छा है कि हम खुद ही ऊपर चले जाएं। हैं? नहीं, ऊपर जाकर ही गाते हैं ना। मजाक है क्या? चलती हुई ट्रेन पे चढ़कर कोई गाना गाता है? भरोसा नहीं है क्या? भरोसा नहीं होता तो इस वक्त तुम्हारे पास आकर यहाँ बैठती। तो खड़ी हो जाओ। कुमार सर, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोलो, दवाई तो खाली ना? हाँ खाली है। चाय का डब्बा कितने का? ठीक है। हाँ। होगी 800-900 रुपए की। दे दे मुझे। तो फिर क्यों दिया? मजाक मत कर। मेरी गन दे दे मुझे। गन? वो तो तेरी नौकरी है ना, गई क्या? देख मजाक मत कर, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फुल्ली लोडेड थी। लोडेड मतलब उस बंदूक में गोलियां भरी हैं क्या? मतलब कोई भी निकाल कर किसी को भी ठोकेगा तो नाम तेरा ही आएगा ना। मुझे प्लीज दे देना गन, दे देना। अरे अपनी चीजें तो ठीक से संभाल नहीं सकता है तो ये काम करने का मतलब भी क्या है तेरा? मुखी। अब यार इतना बुरा भला तूने मुझे कह दिया तो अब क्या बोलना चाहिए तुझे? दे देना। तब क्या बोला था तू? दोनों को गोली मार देगा? क्या बोला था ये? मार के फेंक दूंगा। मार के फेंकेगा? इस पर हाथ उठाता है। गलती हो गई, अब दे दे। सॉरी बोल। सॉरी यार। हाँ? क्या? सॉरी सर। मैडम से बोल, बोलना। सॉरी। ए, ये क्या था? अच्छी तरह से फील करके हंसते हुए बोल, हंसते हुए। वो कैसे? बोलना। सॉरी। ए, 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 क्या कर रहा है ये? तूने जैसा बोलने को बोला वैसा। हाँ, बस बस, कैसा बोला देखा ना? छी, इसे तो देखकर ही घिनाती है मुझे। तुझे भी पसंद नहीं है? क्यों बे, तुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है? तो गन वापस नहीं करनी है ना? सोचती हूँ, देखते हैं। अरे मुखी, 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 चित्रा खुशाल प्लीज। गन कहाँ रखी है तुमने? मुझे क्या पता है? सुनो सुनो, देखो हम दोनों एक ही जगह के हैं ना, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए और तुम हो कि उसके साथ मिलकर मुझे इस तरह से। एक ही जगह से? इंसानियत में अच्छे इंसान और बुरे इंसान होते हैं, साउथ और नॉर्थ कुछ नहीं होता। तुम एक बुरे इंसान हो। चलो मुखी, चलते हैं। ए मुखी, प्लीज मुखी। अच्छा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। अच्छे लोग तो समझ गया, बुरे लोग मतलब? बुरे लोग मतलब बुरे लोग, जो बुरा करे, झूठ बोले, कुल मिलाकर ऐसा जो फ्रॉड हो। मुखी, ये भी ना चिक-चिक कर रहा है यार। मुखी मैं तुझसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दे दे यार। अरे अरे, ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, दे देता हूँ। मुखी एक घंटे के बाद आकर ले लेना। अरे ये तड़ा में उतर जाएगी, उसके बाद दूंगा। गन आने के बाद तो फिर से शुरू हो गया तो। ओहो, अरे यार इतना बोल रहा हूँ तो भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मुखी, भगवान के लिए मुझे मेरी गन दे दे यार। जल्दबाजी मत करो यार, रिकॉर्डिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं, कोई आया तो कहना हम ऊपर हैं। और अचानक माजी आ गई तो? माजी आ गई तो क्या, मैडम जी पैंट्री से कुछ लेने गई है ऐसा बोल देना। हा? अब ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा लेकिन तुम्हें बुरा नहीं मानना है। हा? और चिंकी? चिंकी, अरे ये सर तो ऐसे बेकार खड़े है ना, इन्हें दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। बहुत ख्याल से रखना इसे, अपनी गन की तरह नहीं। क्या अभी भी कम नहीं हुआ है क्या? चलो ना, तुझे बाद में बताता हूँ। तुम सिंगर बनने के बाद सभी को मारने जो वाली हो क्या? कुछ नहीं, तुम आ जाओ।
अरे मुखी, मेरा हाथ पकड़ो। अरे डर मत, हाथ दो अपना। शुरू में ही ऊंचे सुर में क्यों गा रही हो? क्यों ऊंचे सुर में गाने से गला खराब होता है? मेरे दोस्त ने एक बार ऐसे ही गाया था। फिर क्या हुआ? उसका अंतिम संस्कार भी जल्दी कर डाला। तुम गाओगे? मजाक मत किया करो। ठीक है गाओ ना। सुन ले मेरे मोहन, प्यार को अंधा किसने बना दिया? सुन ले, मेरा होता तो अच्छा होता। सर एसएम गॉड, ये क्या है? कहां से आ रही है तू और ऊपर क्या करने गई थी इसके साथ? वो मैं मुखी के साथ। ओह, मुखी के साथ रोमांस ना? क्यों रे मुखी, ये क्या चल रहा है? इसीलिए तू हमारे आगे पीछे घूम रहा था ना? नहीं, सुबह की चाय तो तूने अभी तक हमें दी नहीं और इसके साथ ऊपर छत पर घूम रहा था। हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। ओह, तो नाच कर भी दिखाया होगा। ए, मैं सिर्फ गाना रिकॉर्ड करने गई थी वहाँ। ओ, तो रिकॉर्डिंग चल रही थी। मुझे एक अच्छी सिंगर बनना है, मैंने बताया अच्छा, था। श्रेया घोषाल बनेगी। कभी आवाज सुनी है अपनी? कदे जैसी गाती है, सिंगर बनेगी। हेलो सर, मॉर्निंग सर। जरा उस सरकारी दामाद को बुला कर लाओ। क्यों भाई, लेफ्ट में गाया जा रही कौशल नहीं दे सकते थे क्या? आप सिर्फ राइट में ही देखेंगे, लेफ्ट में नहीं देख सकते। हम दोनों एक ही एज के है ना, कुछ चढ़ाकर मुझ पर चार्ज डाल रहे हैं। तुमने पी रखी है क्या? किसने पी है? तुम्हारे पीने की वजह से ना तुमने सिग्नल देखा ना कॉशन बोला, देखो क्या हो गया ये इरेस्पॉन्सिबल इडियट। तमीज से बात कीजिए। आ गया सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गवर्नमेंट ऑफिसर बाथरूम के पास आ करके सोया था, तू मेरी क्या रक्षा करेगा? ए, इस लड़की को ऐसे मार क्यों रहा है? चुप रहो। जावेद अख्तर को तुम जानते हो, ये कहकर तुमने इसे बेवकूफ बनाया। क्यों बेवकूफ बनाया? नादान है ये, अभी तक दुनिया नहीं देखी इसने, और तुमने इसे झूठ बोला कि तुम जावेद अख्तर को जानते हो। झूठ नहीं कहा मामा, ये सच है। जावेद अख्तर सर से मैंने फोन पे बात की। फोन पर बात की थी? तब तो मैं भी बात करूंगा उनसे। बात करो जावेद अख्तर से, मैं उनके सेक्रेटरी को जानता हूँ। चलो लगाओ फोन। तुम सोच क्या रहे हो मुखी, कॉल करो ना। कॉल करो। वो रात की रिकॉर्डिंग खत्म करके आराम कर रहे होंगे। कोई बात नहीं मुखी, हम सॉरी बोल देंगे। कॉल करो, उनसे बात करने के बाद ही इन्हें हम पर यकीन होगा। करो फोन। कर फोन मुखी, करो ना। क्या हुआ मुखी, बोलना। तू जा यहाँ से। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है जा क्या? कह रहा हूँ ना, जा। हेलो जावेद अख्तर सर, मैं मुखी बोल रहा हूँ। बोलिए मुखी साहब, मैं जावेद अख्तर। आप अभी भी उसी लड़की के साथ हैं, मैं समझ सकता हूँ। उस लड़की का गाना आपने रिकॉर्ड कर लिया क्या? मुखी, मैं अभी रहमान जी के साथ ही हूँ। सरोजा की आवाज़ सुनने के लिए हम बेताब हो रहे हैं। जल्दी से उसकी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर दो मुखी। मैंने जैसा बोला था सब वैसा ही चल रहा है ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? फोन सरोजा को दो, मैं बात करता हूँ। जावेद अख्तर सर, सरोजा यही है, बात कर लीजिए। लो देख लो जावेद अख्तर को। तुम जावेद अख्तर हो? जावेद खान हूँ। देख लो, यह है जावेद अख्तर, भाई का क्लोज फ्रेंड। ये सब मिलकर तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। पता है वो कितने बड़े राइटर हैं? ये उनका नाम भी अपनी जुबान पर ले इस लायक नहीं है, और तुम इनके साथ अपना समय बर्बाद कर रही हो। तुम भूल गई कि तुम्हारा बाप अभी इलाज के बिना मर गया। तुम्हारा ये सब नाटक नौटंकी यहाँ पर नहीं चलेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैंने इतनी मिन्नत करके हाथ पैर जोड़कर तुम्हें इन मैडम के यहाँ काम दिलवाया, और तुम हो कि सिंगर बनने के सपने देख रही हो। याद है ना, खर्चा चलाने के लिए तुम 8वीं की पढ़ाई रोक कर साबुन बेचा करती थी। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज कैसी है? जैसे किसी गधे को लात मार दी गई हो। गायिका बनेगी। ए सुन, तू चुपचाप से माजी के हाथ पैर दबाने का काम करती रह, या फिर अगर चाहे तो इसके साथ जाकर बर्बाद हो जा, और अगर ये दोनों ना कर सके तो कूद कर मर जा। अपनी माँ और बहन को भी सड़क पर ले आओ। पता नहीं क्यों मैं इसे लेकर आया। सरोजा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? हाँ मैंने धोखा दिया, क्यों? तुम्हें पाने के लिए, उसके लिए तुम्हें ही नहीं इस दुनिया को धोखा दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। साथ रहने का मतलब जैसे तुम्हारे मामा ने कहा वैसे कुछ दिन के लिए नहीं,
आखिरी सांस तक, मरते दम तक साथ रहना चाहता हूँ। मरते दम तक साथ रहना चाहते हो ना, अब रह लो। सरोज, मुझे मारने वाला खाली हाथ भी आ सकता है भाई, गन की क्या जरूरत है? अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है, कम से कम ये खबर तो फैल जाएगी कि मंत्री जी नेक्सलाइट द्वारा मारे गए। अब नेक्सलाइट की मंत्री जी से क्या दुश्मनी थी, पहले से थी या बाद में हो गई, या फिर मंत्री जी के साथ घूमने वाला बेकार पिया इसका कारण है? ये कारण है, वो कारण है, मंत्री 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 करके सारे न्यूज चैनल पर मैं छा जाऊंगा। चलो, मरने के बाद ही कम से कम मेरा नाम हो जाएगा, क्यों पिए साहब? जी सर। आप तो चाहते होंगे कि मैं सच में गोली खाकर मर जाऊं। आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो जरा मैं टेंशन में था। में थे तो फिर गांव या मंदिर जाकर थोड़े दिन रेस्ट कर लो, तुम्हारे सस्पेंशन की सिफारिश मैं कर दूंगा। नहीं सर, मेरी जिंदगी है सर, प्लीज सर। अगर मैं तुझे माफ कर दूंगा तो तू मेरा कल्याण कर देगा, तेरे सरकारी तरीके से ही। देख मैं तुझे नौकरी से कैसे निकलवाता हूँ। सर जाओ बेटा, सरकार के लिए काम करते हो ना, डोंट प्ले विथ पॉलिटिशियंस, जा। सॉरी। छी, इसे तो देखकर ही मुझे घिन आती है। तो फिर मैं गन नहीं दूं ना? सोचती हूँ। मुखी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मुखी, प्लीज मुझे मेरी गन दे दे। मुखी, प्लीज मुखी। ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा। ओके, सिग्नल तक बताना नहीं है। हाँ, ये सब बिना जाने ही आ गया। छोड़िए ना, ये सब बातें बाद में करेंगे। सरोजा, अरे भाई तुम थोड़ा संभल कर रहना, वो तुम्हें ढूंढते हुए गया है। सरोजा सुनो तो। सर वो गन, इसे तड़ा उतर जाने दो, उसके बाद दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। सर अब तो मिल गई है ना, वो लड़की मरने जा रही है, हम अपनी परेशानी बाद में सलटा लेंगे। उसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है, ये काम जरा बुरा तो लगेगा लेकिन तेरी जगह उसका काम मैं करूंगा। तू यही रह। क्या कर रहा है? इसे मारने के बाद तुझसे बात करूंगा। उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल। वो अच्छा इंसान है, मैं बुरा इंसान हूँ ना? बुरा इंसान क्या करता, दिखाता हूँ तुझे। क्या हुआ बेटी, कौन है वो? ए, क्या ये? क्यों उसके पीछे पड़ा है? तुम्ही से पूछ रही हूँ। सर उसे छोड़िए ना सर। सर रहने दीजिए ना। कैसे छोड़िए, बात कर रहा था, केबिन में जाइए। ऐसे पी के ड्यूटी पे आने वालों को नौकरी से निकाल दिया। इनसे काम नहीं हो रहा है इसलिए रिटायरमेंट दे रहे हैं। गलती इस आदमी की है और सारा इल्जाम मेरे सर पर मर रहा है। सुनिए, आपको ज्यादा ही बकवास कर रहे हैं, एक सीनियर से ऐसे बात की जाती है, माइंड योर वर्ड्स। सॉरी सर। रमेश होती तो इतनी परेशानी होती? ये मेरी लास्ट ड्राइव है, मैं अपनी सर्विस बिना किसी दाग के कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर ये ट्रेन में चढ़ेगा तो मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा। असिस्टेंट के बिना ट्रेन नहीं चलाई जाती, रूल्स जानते हो ना? हेलो, ट्रेन बढ़ाने या रोकने का पावर गार्ड के पास ही होता है, ये रूल तो तुम जानते ही हो। सर मैं इसे अपनी केबिन में बिठा दूंगा, गुडूर पहुंचते ही आपको दूसरा असिस्टेंट मिल जाएगा। सर प्लीज सर, ट्रेन आगे बढ़ाइए सर प्लीज। ब्रेक कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए बोलो। श्योर सर। हेलो, अपनी मर्जी से गार्डवेल में कैसे बैठा दोगे? चलो सब आगे, मुझे पता है कहाँ बैठना है। अरे चलो, पहले आप अपना काम तो कीजिए। तुम पहले जाकर अपना काम करो। चलो ट्रेन चलने वाली है, सब जाओ अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठो। तो मर जा, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, समझ में नहीं आता, फोन रखो। जा करके ब्रेक कंटिन्यूटी चेक कीजिए ना। ए, अब तू भी मुझे टॉर्चर करेगा? जा तो रहा हूँ। हेलो, इज्जत के साथ सरसर कर रहा हूँ और तू मुझे तू तू कर रहा है? तेरी बातें सुनकर चुप नहीं बैठूंगा, उनकी तरह नहीं हूँ। क्या करेगा तू? हाँ जवान है तो क्या मारेगा मुझे? मारेगा? हेलो सर, मैं ट्रेन नंबर 11015 का गार्ड बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर। ट्रेन बिना गार्ड और एलपी के जा रही है सर। व्हाट? एलपी को कांटेक्ट करके ट्रेन रोकने के लिए बोलिए सर।
LP110015 कॉमन लाइन। हेलो सुनाई दे रहा है क्या? LP110015 सुनाई दे रहा है क्या? प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक द लाइन। हेलो LP110015 ALP गार्ड मिसिंग, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक द लाइन। SM गुरु कॉलिंग। हेलो LP110015 ALP गार्ड मिसिंग, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक अप द लाइन। SM गुरु कॉलिंग। हेलो तो हो गया है, स्टेशन भी आने वाला है, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही है। ये आवाज कैसी हो रही है? हाँ एक मिनट। हेलो हेलो मास्टर, ट्रेन कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रही है क्या? हेलो मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ चल रही है, वो तो हमेशा ही चलती है। सब माल निकाल, जो भी जिसके पास माल है जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, निकाल नहीं तो मार, जल्दी कर, चल चल निकाल, चल 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 निकाल निकाल, चल 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 निकाल, चल 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 निकाल, जल्दी निकाल, सब रख सब रख, चल चल चल, पिजट पिजट। अरे क्या कर रही है, जल्दी निकाल, देख रहा है, चल निकाल। अरे ये ले लो भाई फोन। हाँ चल और कौन अच्छे को मार दूँगा, चल 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 चल, चल अब यार निकाल, अच्छा नहीं मिलेगा और क्या बचा क्या, चल वो ही ले आने, वो ही ले आने, यहाँ से जो गोली मार दूँगा। चल 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 चल, ये ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है? चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ, चल चल चल, अपना बच्चा। अरे जल्दी रुक रही है, गुडूर। हाँ गुडूर कहिए। ट्रेन नंबर 110015 डीसी एक्सप्रेस आउट ऑफ कंट्रोल सर। ट्रेन वहाँ नहीं रुकी, नहीं रुकी सर, सिग्नल पास इट ऑन सर। ओडूर ओडूर, लूप लाइन में मालगाड़ी को सिग्नल नहीं दिया है ना अभी तक? नहीं दिया सर। क्यों सर? डीसी एक्सप्रेस 110015 आउट ऑफ कंट्रोल है, गुडूर से बिना रुके निकल गई है। अच्छा, इसलिए मेन लाइन को सेट करके बाहर डेंजर के साइन लगाइए। ओके सर। ऑफ साइड में भी लाइन मैन को भेज कर डेंजर के साइन लगवाइए। सर ट्रेन यहाँ बिना रुके जा रही है सर। ओडूर में भी नहीं रुकी? जी हाँ सर। अरे हाँ आप लोग शांत रहिए ना, मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, चुप रहिए। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, सर क्या हुआ? डीसी एक्सप्रेस गुडूर ओडूर किसी भी स्टेशन पे रुके बिना निकल चुकी है सर। अच्छा हुआ क्या है? क्या सर, आपको जरा सी भी घबराहट नहीं हो रही है? तो हम क्यों घबराएं, जो ट्रेन में बैठे हैं वो घबराएंगे? ऐसे हालात में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ऑल स्टेशन प्लीज नोट डाउन, ट्रेन नंबर 110015 डीसी एक्सप्रेस रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सारे स्टेशनों पे जो ट्रेनें खड़ी हुई हैं उन्हें लूप लाइन पे रेगुलेट कीजिए। मेन लाइन पर पॉइंट सेट करके डीसी एक्सप्रेस को रास्ता दीजिए।
गार्ड या एलपी को किसी ने कांटेक्ट किया? डीसी एक्सप्रेस के गार्ड की बातचीत गुड्डू स्टेशन के स्टेशन मास्टर से हो चुकी थी। गुड्डू स्टेशन के पास सुबह जब ट्रेन आ रही थी तो कुछ गाय उससे टकरा गई थी, इसलिए ट्रेन वहाँ रुकी भी थी। वहाँ एलपी और एएलपी के बीच में थोड़ी बहुत बहस भी हुई थी, उसके बाद एएलपी और गार्ड ने ट्रेन मिस कर दी थी। अब एलपी भी फोन नहीं उठा रहा सर, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। एपीसी को फोन करके बिजली ऑफ करवा कर ट्रेन को रुकवाओ। सॉरी सर, इट्स अ डीजल लोको। डीजल जैक, डीजल लोको है तो क्या हुआ? विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस तो है ना, हर 60 सेकंड पर अगर हॉर्न नहीं दिया या कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाती है। इट्स नॉट अ मॉडिफाइड लोको सर। ध्यान से सुनो, गुडूर से चेन्नई सेंट्रल तक सारे मेन लेवल क्रॉसिंग को शट डाउन कर दो, अनमेन लेवल क्रॉसिंग को अलाउ करो, और साथ में हर स्टेशन के आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन सभी को इन्फॉर्म कर दो। जैक सर, ध्यान रहे, ये बात किसी भी तरह मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गए? ट्रेन की इतनी बड़ी बात मीडिया से छुपा कर रखना, ऑफ कोर्स तेरे जैसे डीआरएम को। ठीक है, देख लेंगे सर। डीसी एक्सप्रेस की टीटी लाइन पर है सर। हेलो हेलो हेलो, डीआरएम स्पीकिंग। हां सुन रहा हूं सर। ये सब कैसे हो गया सर? गुरूर से पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। अरे हाँ, वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। एलपी देवराज से कांटेक्ट किया आपने? फोन मिला रहा हूँ सर, लेकिन वो उठा नहीं रहे। अच्छा, लेकिन इमरजेंसी लाइन को खींचा क्या? हम कई बार चेन खींच के देख चुके हैं। तो फिर प्रॉब्लम आखिर कहाँ हुई? सर, गायों के टकराने से एक्सीडेंट हुआ था ना, शायद उसके बाद ब्रेक कंटिन्यूटी चेक किए बिना ही ट्रेन को चला दिया गया। इतनी बड़ी भूल कैसे की? ब्रेक कनेक्टिविटी चेक नहीं की, एक्सीडेंट के बाद ट्रेन चलाने से पहले एलपी और गार्ड ने प्रेशर चेक नहीं किया। अगर चेक किया होता तो चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती। सर, आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर अब हम लोग क्या करें? सर, इसकी स्पीड भी थोड़ी एबनॉर्मल है सर। पैसेंजर्स भी घबरा रहे हैं सर। ओके, अब आप लोग पैसेंजर्स को पैनिक होने से रोकिए। सर, डर लग रहा है सर। डरिए मत, हम सब है ना। आप कांटेक्ट में रहिएगा। जरूर सर। ओके सर। इन्फॉर्म करते रहिए। कंफर्म सर। बी अलर्ट। कंफर्म सर। सर, लगता है बर्थ कंफर्म हो गई है। क्या कहा? बर्थ कंफर्म हो गई है ना? देखते हैं। ऊपर के लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं सर। हाँ, लगा तो रहे हैं। क्या सर? टाइम लग रहा है, चेन्नई आने तक कंफर्म हो जाएगी। चेन्नई आने से पहले कंफर्म हो जाएगा ना सर? तेरी तो कंफर्म हो जाएगी। क्या कहा सर? ओए, चेन्नई आने से पहले कंफर्म हो जाएगी। देखिए ना सर, अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो। काफी जल्दी है तुझे, तू जल्दी ही पहुंचेगा। जब गायों से टक्कर हुई होगी तो उनकी सिंह में फंसकर बॉल टूट गए होंगे, और इन लोगों ने चेक किए बगैर ट्रेन चालू कर दी होगी, और वही सब गड़बड़ हो गई। So you say this story is nailed up. Of course, ब्रेक कंटिन्यूटी चेक नहीं की, ट्रेन में ब्रेक नहीं लग रहा है, इससे क्या पता चलता है जैक? आपकी बात बिना ड्राइवर के ट्रेन पर लागू हो सकती है सर, लेकिन इस ट्रेन में ड्राइवर है और उसके पास सेफ्टी वॉल भी है। प्रेशर रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे तो वहाँ कुछ गड़बड़ है सर। पीएम को इन्फॉर्म कर देते हैं। सर, ये लोग सिर्फ बात करेंगे या ट्रेन रुकवाएंगे भी? तुम्हें तो पता ही है ना कि सरकार बिना बातचीत किए कोई फैसला नहीं लेती है। बी सीरियस, होना ही पड़ेगा। है? हमने आरपीएफ वाले को गोली मारी है तो परेशान होकर थोड़ी देर में वो ट्रेन जरूर रोकेंगे। ट्रेन के छत पर चले जाने में ही हमारी भलाई है। पीछे पीछे आप लोग नहीं। माया, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, अभी हम टाटा रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ रुकने वाली डीसी एक्सप्रेस बिना रुके ही निकल गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें से एक आरपीएफ जवान को गोली मारकर बाहर भेज दिया गया है, इसलिए इस समय यहाँ परेशानी का माहौल साफ साफ देखा जा सकता है। और सबसे खास बात, इसी ट्रेन में हमारे केंद्र के खाद्य मंत्री श्री रंगराज जी यात्रा कर रहे हैं। उन्हें अगवा करने के लिए ही आतंकवादियों ने इस काम को अंजाम दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और आपको जरूर बताऊंगी। डीसी एक्सप्रेस में अगवा हुए केंद्रीय मंत्री श्री रंगराजी भुवनागिरी के पास श्री मंगलम गांव में पैदा हुए थे। उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें हर रोज 12 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता था। जब वो नौजवान थे तब हिंदी भाषा को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किए। हे भगवान, उन्होंने कहीं मेरे पिछले राज भी न खोल दे। इंजन के पास एक लड़की है, उससे ज़ूम करो। ब्रेकिंग न्यूज़। अभी मिली सूचना के अनुसार दिल्ली से चेन्नई जाने वाली डीसी एक्सप्रेस एक महिला आतंकवादी के निर्देशों पर अगवा की गई है। ट्रेन की छत पर 6 आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन के अंदर और कितने आतंकवादी हैं ये अब तक पता नहीं चला है। इस तरह के आतंकवादी घटनाओं पर अगर आप ध्यान दें तो ये लगातार ऐसी घटनाएं चल रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसे रोका जा सकता है या फिर नहीं?
इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सपा पार्टी अध्यक्ष हैं श्री सदाशिव जी, टीजाका पार्टी के अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी, विपक्ष पार्टी एकापा के MLA अखिल सेल्वम जी और सोशल वर्कर मनोचिकित्सक डॉक्टर एडवर्ड जी। तो अपना पहला सवाल मैं आपसे शुरू करता हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, इस ट्रेन को एक महिला आतंकवादी अगवा करके ले जा रही है, एक स्त्री द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो उस महिला की मेंटेलिटी किस तरह की हो सकती है? एज अ साइकेट्रिस्ट आप क्या सोचते हैं, बताइए डॉक्टर। टीवी पर जो लड़की दिख रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वो लड़की जिस तरह बैठी है, उसकी पोजीशन और जिस तरह वो उस रॉड को पकड़ कर बैठी है, उसका जेस्चर और उसके चेहरे पर टेंशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है उसे सिक्योरिटी चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो लड़की आतंकवादी नहीं होनी चाहिए, मुझे तो वो मेंटली अफेक्टेड लड़की दिख रही है। क्यों सर, आतंकवादी कोट सूट पहन के थोड़ी बैठा रहेगा? जो कुछ मुझे दिख रहा है मिस्टर पवन कुमार जी, आप जरा शांत रहिए, अभी शांत रहिए, आपको भी समय दिया जाएगा तब आप बोलिएगा, इस समय पूरा देश हमें देख रहा है। आप कहिए डॉक्टर। देखिए, मुझे उस लड़की के हाव भाव को देखकर लगता है कि वो आतंकवादी बिल्कुल नहीं है, वो एक मेंटली अफेक्टेड लड़की ही है। जहाँ सारे लोग उस लड़की के आतंकवादी होने की बात पर फोकस कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर एडवर्ड का मानना है कि वो लड़की आतंकवादी नहीं बल्कि एक मानसिक रोगी हो सकती है। ये तो वही लड़की है, इसे आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? हम अंदर वाली ये बात जानते हैं, बाहर वालों को क्या पता होगा? ये बात दुखी को पता चल गई होगी ना। हाँ यार, जल्दी फोन लगा, रिंग जा रही है ना? क्या हुआ, रिंग जा रही है ना? देखा देखा देखा, मुझे लगता है उसे ही ढूंढने गया, फोन नहीं उठा रहा है। सर, मैं हेडक्वार्टर में पहुंच गया हूं, DRM से बात करके आपको अपडेट करता हूं। श्योर सर। मारे गए RPF सब इंस्पेक्टर जिनका नाम वेणु था, अपने अन्य साथियों के साथ उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे। आई एम सुल्तान, DIG रेलवे प्रोडक्शन। आई एम जगन मूर्ति। आप सबको अच्छी तरह पता होगा क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स। गुड, मुझे DC एक्सप्रेस की सारी डिटेल्स चाहिए। पार्डन? सारे पैसेंजर्स की लिस्ट चाहिए, साथ में LP और ALP की डिटेल्स। गॉट इट, मेक इट फास्ट, क्लियर? हां जैक। दे देंगे सर। स्वामीनाथन। कहिए सर। जैक, वो ट्रेन आज ही रोकनी है। रोक देंगे ना सर। सर, अब ये लोग कहां से अंदर घुस गए? अब से ये सिर्फ नाम का ही कंट्रोल रूम है, टोटल कंट्रोल तो उनके हाथ में चला गया। हमारे नेता को छोड़ दो, हमारे नेता को छोड़ दो। ट्रेन 120 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे, तुम यहाँ खेल रहे हो? मैं खेल रहा हूँ, मैं तुम्हें खेलने वाले कपड़े में दिख रहा हूँ? राजनेता हूँ मैं। हमारे नेता को छोड़ दो, हमारे नेता को छोड़ दो। अभी ये मुद्दा छोड़ दो, ये सब बाद में देख लेंगे, या फिर दूसरे ट्रैक पर चले जाओ। दूसरे ट्रैक पे जाने की राय तुम दोगे? एक पार्टी खड़ी करने में कितने ट्रैक बदलने पड़ते हैं मालूम है? एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में कूदना पड़ता है, कूदने के बाद फिर दूसरे ट्रैक पे जंप मारते हैं। एक ट्रैक में फंसते हैं तो हम भी पीछे भागते हैं। मैं उस ट्रैक की बात नहीं कर रहा था, सॉरी नेता। सर, ट्रेन तेजी से चली आ रही है। क्या तेजी से चली आ रही है? अपने मंत्री जी को देखने के लिए हमारा सीना फटा जा रहा है। हिम्मत तो मेरे ऊपर से ट्रेन लेके जाने को बोलो। उठा क्यों रहा है? मंत्री जी उतरेंगे फिर इसे कंधे पे रखूंगा। मंत्री जी कहाँ से उतरेंगे? ट्रेन रुकने वाली है क्या? एक आतंकवादी उसे चला रहा है। सर, वो साधारण आतंकवादी होगा, हमारे नेताजी महान आतंकवादी हैं, अहिंसावादी हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे नेता को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ट्रेन से टकरा कर चटनी बन जाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, क्यों रे? हमारे नेता को छोड़ दो। पीछे वाले आते हैं, आज कोई दिशा नहीं दे रहे। आप महान ना हो जाए इसलिए आपको भगाना चाह रहे हैं। भगाना चाह रहे हैं? इनका कुछ नहीं होने वाला। बुलवाऊंगा। ऐसी बीमारियां देश से आसानी से साफ नहीं होंगी, इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये अपने आप साफ हो जाएंगे। तो एम्बुलेंस को फोन कर दो। एम्बुलेंस क्यों सर? काम हो जाने के बाद कॉर्पोरेशन की गाड़ी साफ करके ले जाएगी। सर, ट्रेन आ रही है सर। चलो पीछे, चलो पीछे, चलो 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 चलो, सब पीछे हटो, पीछे 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 हटो, पीछे 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 हटो। ट्रेन आ रही है ना? हाँ नेताजी। तो फिर भीड़ को देख के उसे हॉर्न मारना चाहिए ना? बिना हॉर्न दिए चली आ रही है, कहीं ठोक तो नहीं दी? लगता है आपको देखकर डर गई होगी इसलिए हॉर्न दिए बिना आ रही है। नेताजी, ये तो बहुत स्पीड में लगती है। मुझे भी वही लग रहा है। कहाँ चले गए? आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री रंगराजन जी भी इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए ही ये ट्रेन अगवा की गई है। इस बारे में आपकी और आपकी पार्टी की क्या राय है, बताइए सदाशिव जी। इन आतंकवादियों को धन्यवाद करना चाहिए। मेरी 40 साल की राजनीति में मुझे एक ही दिन में हीरो बना दिया। आप जैसे अच्छे नेता को तो 40 साल पहले हुआ कर लेना चाहिए। मुंह बंद रखो। और फिर रंगराजन जी जो अगवा किया जाए, इतनी बड़ी हैसियत नहीं है वो। अगर उनका नाम होना शुरू ही हुआ है, पार्टी क्यों फ्लाइट में भेजने की बजाय ट्रेन में भेजती? इतनी बड़ी हस्ती नहीं है वो। जानते हैं वो कौन है? अरे वो बहुत सरल इंसान है, इसीलिए ट्रेन से यात्रा करते ये हैं। फ्लाइट की टिकट जो नहीं देते। अपहरण हुआ है ये जानकर पूरा देश गम में डूबा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी सुबह शोक जाहिर किया, दुख जाहिर किया है। बस यही कहना चाहता था मैं। नहीं सदाशिव, तुम्हें गधों को बोलने के लिए बैठाएंगे तो ऐसा ही होगा। ऐसे ही बोलोगे तो राजनीति कैसे होगी?
HE1 में सेंट्रल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके साथ तो NSG कमांडो जरूर होंगे। कॉन्टेक्ट देम। ओके सर। मिस्टर पांडे, यस सर। इस ट्रेन को बाहर से रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? और कोई रास्ता नहीं है सर। अगर ये गुड्स ट्रेन होती तो रेत की बोरी की दीवार खड़ी करके हम उसे रोक सकते थे, या ट्रैक में स्किड सेट करके ट्रेन को ट्रैक से उतार सकते थे, या फिर ट्रेन के रिटर्न में बफर से बफर टकरा कर ट्रेन को डीरेल करवा सकते थे। लेकिन उसमें इंसान है सर, ये सब तरीका ट्राई करना नामुमकिन है सर। इतना बड़ा रिस्क हम बिल्कुल नहीं ले सकते सर। सेंट्रल मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड नितिन। हेलो नितिन, आई एम DIG सुल्तान हियर। सुनाई दे रहा है, बताइए नितिन। नितिन, हेलो हेलो, सुन रहे हो ना? मिनिस्टर सेफ है ना? सर मिनिस्टर सेफ है, नो प्रॉब्लम सर। गुड, एनीथिंग एल्स? NSG हेडक्वार्टर से अभी मेरी बात हुई थी सर। हेडक्वार्टर से फोन आया था? क्या बात हुई थी? व्हाट? देन जस्ट होल्ड ऑन स्वामी। सर कैप्टन अरविंद, कॉन्टेक्ट हिम, कनेक्ट हिम इमीडिएटली। ओके? यस सर। नितिन कंटिन्यू। रेखा, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, घुमेडी पुंडी के पास NSG के कुछ कमांडर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मिनिस्टर को बचाने के लिए खतरे को, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत प्लानिंग है सर। ट्रेन के अंदर 742 पैसेंजर बैठे हुए हैं सर। वन रॉन्ग मूव और सभी की जान खतरे में होगी। नीलू, हम आपके संपर्क में हैं, आप हमें जानकारी देते रहिए। आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट मूव। मैंने तुम पर भरोसा किया, क्यों मुझे धोखा दिया तुमने? क्यों? ओए, मैंने सोचा तेरी प्रेमिका मेरे हाथों से बच गई, इंजन पर बैठी है। तेरी प्रेमिका टेररिस्ट है क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा, सारे लोग कह रहे हैं। ये तो आज का हॉट न्यूज है। वही इस ट्रेन को अगवा करके ले जा रही है। पता है, मेरी यही एक इच्छा थी कि मैं उसे अपने हाथों से मारूं। कोई बात नहीं, मेरे डिपार्टमेंट के हाथों से तो वो मारी ही जाएगी। इसी बात से खुश हो लूंगा मैं। अब तक तो स्नाइपर टीम भी पहुंच चुकी होगी। लेटेस्ट राइफल M110, एक बार ट्रिगर दबाने से 50 बुलेट धड़ 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 उस लड़की की बॉडी को छलनी कर देंगे। उसके खून के छींटे आसपास फैल जाएंगे जैसे मटन की दुकान पे होता है। उसके बाद तुझे बाहर निकाल दूंगा, उसके टुकड़ों को बटोर कर। हंसते रहना। ए, चल जा, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ, कहीं मार ना डालू तुझे। क्यों? ए, जल्दबाजी में कहीं तो अंदर मत चले आना, अगर आया तो मारा जाएगा। रुक, देखता हूँ तुझे। आजा। अभी आया, तू मरेगा मेरे हाथों से।
मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? स्नाइपर्स ने आतंकवादी को शूट नहीं किया, डीजल लोको की दाहिनी तरफ की सेफ्टी ब्रेक स्विच पर निशाना था। अगर उस पर बुलेट लग जाती तो स्विच ऑन होकर डीजल टैंक के सेफ्टी वॉल्व को ओपन कर देती, डीजल खत्म हो जाता और ट्रेन रुक जाती। इट वुड हैव बीन इजियर फॉर अस टू स्टार्ट द नेगोशिएशन। दैट वाज आवर प्लान। आई कैन अश्योर यू आवर स्नाइपर्स आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। वो चाहते तो आतंकवादी को सिंगल शॉट में मार गिराते। एक्सक्यूज मी सर, फिर ब्रेक स्विच पर ठीक तरह से गोली मारना चाहिए था ना? सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वॉज अ फास्ट मूविंग ट्रेन। The target was very small. उसके अलावा वो लड़की इधर उधर भाग रही थी. That was a very big disturbance for us. That's why. Any more questions? डीजल टैंक पर गोली चलाएंगे, डीजल बाहर गिरेगा और ट्रेन रुक जाएगी, सब मारे जाते तो? ये सब विपक्ष की एक चाल है। मंत्री जी को अगर कुछ हुआ ना, भाई गोली विपक्ष पार्टी ने नहीं, एनएसजी ने चलवाई है ना? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भाई, आप ही समझाइए इसे। जाने दो ना, ये इतना कुछ नहीं जानता। वैसे आज भीड़ जमा होगी, ये पूछ रहा हूँ उससे। क्यों डॉक्टर, इनके लिए कोई ट्रीटमेंट है क्या? बच गया, बच के भाग गया मेरे हाथों से वो। शांत हो जा सर। ए, क्या हुआ सर? व्हाट हैपेंड? वो छत पर है सर। कौन? छत पे है सर वो। कौन छत पर? हिलो मत। वही सर, वो ट्रेन वाले लड़का लड़की सर, आपको तो पता है सर। वही है। नहीं मरे सर। हा? वो दोनों टेररिस्ट नहीं मरे हैं। कौन से टेररिस्ट? वही सर, वो मुखी कुमार, वो पेंट्रीमैन नहीं है सर, पक्का टेररिस्ट है, देशद्रोही है सर। वो हमें मार डालेगा देखिएगा, पहले हमें उसे मारना होगा, उसे हमें कैसे भी मारना होगा सर। Hey, hello. Please take care of him. Come, let's go to the pantry. Cool, cool, take care. आप कहें तो छत पर जाकर उस आतंकवादी पर अटैक। No. पहले एंट्री में इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही मूव करेंगे। Come fast. सर, शांत। आप नहीं मारेंगे, मैं उसे मारूंगा। सरकार की तरफ से जो हमला किया गया है वो आतंकवादियों के लिए कहा जा रहा है। ट्रेन को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, ये बात एनएसजी के अधिकारी ने कहा। बोला ना नहीं चाहिए। कहना है
कि जब तक आतंकवादी मेरी सारी जायदाद ऐसे की बांट रहा है। जिंदा घर लौटने का ठिकाना नहीं और तुम्हें जायदाद की पड़ी है। एक बात तो है सर, जैसा बोला वैसा ही किया आपने। क्या किया रे? ट्रेन हुआ। किसने? आपने। हे, ये बकवास करने की जगह है क्या? सर, मुखी कुमार आपका असिस्टेंट है। सारे चैनल्स बता रहे हैं कि वही मेन आतंकवादी है। उसकी जो प्रेमिका है वो ट्रेन अगवा करके ले जा रही है और आप कैप्टन हैं, इसीलिए ये बात तो तय है। सारी साजिश आपकी ही है। अरे ये कैसी साजिश, साजिश की बात कर रहा है? तो क्या हमारे सर हीरोइन सबको जेल में डाल देंगे? बिल्कुल, हीरोइन को भी। और क्या, दाऊद के साथ जो भी हीरोइन लिंक में थी सबको अरेस्ट किया था ना? हाँ, वो तो है। इसी तरह आपके लिंक में ये हीरोइन है। मेरे लिंक में? और नहीं तो क्या, कटलेट में तीर बनाकर भेजा था कि नहीं? तीर मतलब आपके पास हथियार भी है क्या सर? क्या हथियार? हथियार सर, कटलेट देना भी कुछ जुर्म है क्या? जुर्म है ना। कई साल पहले हमारे गांव में एक नेता की हत्या हुई थी। हत्या करने वाले को जिसने चाय पिलाई थी, बैटरी सप्लाई की थी, साइकिल रखने की जगह दी थी, वो सब भी 20-20 साल की सजा भुगत रहे हैं सर। अगर उनकी ये हालत है तो आप तो पूरी ट्रेन को अगवा करके सारे लोगों को मरवाने वाले हैं। आपका क्या होगा सोच लीजिए। 30-40 साल की जेल तो होगी, ये विकेट तो अंदर ही गिर जाएगा। नहीं नहीं, इतने सालों तक अंदर नहीं रखते, बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह फांसी देते हैं। किसके बर्थडे पर? आपके बर्थडे पर सर। डराओ मत यार। डरा नहीं रहा सर, तैयार रहने को कह रहा हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में वो आपको अरेस्ट तो कर ही लेंगे, उसके बाद इंक्वायरी, केस, इन्वेस्टिगेशन, जीना तो दुश्वार होने ही वाला है सर आपका। हमारा तो फिर भी ठीक है, कुंवारे हैं, जहाँ बोलेंगे बैठ जाएंगे चड्डी पे। लेकिन आपकी हालत सोचकर बहुत बुरा लग रहा है सर, ना तो चड्डी पहनते हैं और ना ही लंगोट बांधते हैं। बर्फ पे नंगा लिटाकर 4-5 पुलिस वाले जब मारेंगे ना तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा पीछे से सर। मैं तो बहुत परेशान हूँ। बंद करो। देखो भाई, अंदर का आतंकवादी बाहर आ रहा है। तुझे अब पता चला क्या? इतने दिनों से ये कॉमेडियन का नाटक कर रहे थे। ए, कौन कॉमेडियन का नाटक कर रहा था? ओरिजिनल टेररिस्ट हूँ मैं। ISIS, हमास, हेपकॉन, उल्फा, इन सब नामों से दुनिया को हिला रहा हूँ। सभी आतंकवादियों का साउथ इंडियन चीफ हूँ मैं। पता है तुझे? अब तुझे डर लग रहा है ना? मुझे डराते हो तुम लोग। नागपुर में जो बॉक्स आए थे उन्हें राशन का सामान समझा होगा ना? वह सब टाइम बॉम्ब सेट किए हुए RDX हैं। सारे ट्रेन में फिक्स कर चुका हूँ। आधे घंटे में देखना एक एक कोच कैसे उड़ते हैं। 2-2 किलोमीटर तक उड़ते दिखेंगे। अगर उसके बाद भी तुम सब बच गए तो मेरे पास AK-57 है, सबको एक बार में थर 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 थर। इसलिए तुम सब खड़े हो गए थे, मुझे देता हूँ। एक मिनट। सर, टीवी न्यूज वाले फोन पर है सर। हा? जी सर। हेलो मंत्री जी, नमस्ते। नमस्ते दर्शकों, DC एक्सप्रेस से केंद्रीय मंत्री श्री रघुराज जी अभी हमारे साथ फोन पर मौजूद है, हम उनसे बात करने वाले हैं। अरे मुझे फोन लगाकर वहाँ किससे बात कर रहे हो? मंत्री जी, आतंकवादी जब आपको अगवा कर रहे थे उस समय का अनुभव कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसे अगवा होने का नहीं मोहब्बत का अनुभव पूछ रहा है। जी सर। अच्छा ही था, थोड़ा बहुत कष्ट हुआ। मंत्री जी, आतंकवादी जब आपसे आकर मिले तो उस समय उन्होंने आपसे आपसे कोई रहस्यमय बात भी की थी क्या? वो बात हमें बताएंगे तो हमारे दर्शकों को सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। ना तो मुझसे कोई मिलने आया और ना ही किसी ने मुझसे बात की। मिलने कोई नहीं आया? नहीं आया। तो आप ही उन आतंकवादियों को कुछ बोल दीजिए। ए गोपाल, आतंकवादी मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे सर। हाँ, तुम तो जानते ही हो। देखिए, आतंकवादियों को मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे लिए सब कुछ जनता है। इस ट्रेन में शायद कुछ 700-800 लोग होंगे, उनके लिए मुझे जमानत के तौर पर रख लो। किसी भी जनता की जान नहीं जानी चाहिए, चाहो तो उसके बदले मेरी जान ले लो। सच में जान देने वाले हैं सर? सुन लिया ना? हमारे मंत्री जी की वीरता और त्याग का कोई और सबूत चाहिए क्या? वीरता और रंगराजन के पास? अब चुप भी करो। एक बार क्या हुआ था कि पिछले साल आर्य समाज वालों ने एक मीटिंग में इन्हें भाषण देने के लिए बुलाया था। कहीं से ये आवाज सुनाई दे गई कि भाषण दोगे तो पत्थर पड़ेंगे। सिर्फ यही कहा था कि पत्थर मारेंगे, हाथ गोला नहीं। बस इतना सुनते ही ये रास्ते से ही उल्टे पांव वापस भाग खड़े हुए। इसे वीरता कहते हैं? कायरता है ये। वो इंसान एक नंबर का डरपोक है। हेलो, केंद्रीय मंत्री के बारे में ऐसा बोलते हैं क्या? ये राजनेता के नाम पर किस जाहिल को लाकर बैठा रखा है? क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? केंद्रीय मंत्री को कायर बोल रहे हैं, डरपोक बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कहा? ये देखो सर, ये तो अपनी ही बात से इनकार कर रहे हैं। मिस्टर पवन कुमार, केंद्रीय मंत्री जी को आपने कायर और डरपोक कहा था। मैंने कहा? जी बिल्कुल, केंद्रीय खाद्य मंत्री को कायर और डरपोक आप ही ने कहा था। अभी तो ये आप कह रहे हैं और थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था। मैंने कब कहा? जो भाइयों, मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या? हाँ सर, आपने ऐसा कहा था सर। क्या आप ही इनकी बातों में आ गए?
जरा सुनिए, इस तरह की बेहुदा बात मैं अपने मुंह से बिल्कुल नहीं कर सकता और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। ये सत्य है, कटु सत्य है। एक बार रिप्ले दिखाइए तब इनको विश्वास होगा। बिल्कुल दिखाइए, बेइज्जती आपकी ही होगी। मिस्टर पवन कुमार, रिप्ले दिखाया ना तो आप पूरे देश के लिए मजाक बनकर रह जाएंगे। अरे श्री सागर, देखो देखो, मुझे तो सेल्फी लेनी है। अरे देखो देखो, अरे माँ, देख यार, शीशा है, शीशा है। सेल्फी लेने। नमस्ते सर। आपके पास वो लड़की कितने दिनों से काम कर रही है? सर, एक्चुअली ये आदमी लाया था उस लड़की को। ये आदमी इधर, यही आदमी है वो। हेलो, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी बहन की लड़की है। क्या? माय सिस्टर सन। हाँ, डॉटर। आई मीन वो बेकसूर है सर। वो हम बताएंगे। सर, मैं भी बेकसूर हूँ सर। hey. ये आदमी बहुत बदमाश है। ये बेकसूर बिल्कुल नहीं हो सकता, इस पर भरोसा मत कीजिए सर। पता है साहब क्या की? पिछले 6 महीने में उसे किसी से संदेहजनक बातें करते हुए या उससे किसी को बातें करते देखा है क्या? नो सर, एक्चुअली इसकी असिस्टेंट मुखी कुमार को मैंने अक्सर उसे बात करते हुए देखा है। वही उसे भगा कर ले गया होगा। आज सुबह ही मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा था सर। मुखी कुमार? हाँ सर, इस आदमी का असिस्टेंट। सर, सुबह के कुछ 4 बजे होंगे सर, ये आदमी उस लड़की से कंबल ओढ़कर कुछ तो खुफिया बातें कर रहा था सर। क्या बात की थी उसे? सर, वो लड़की, मैंने सुना था सर, सब लोग प्लान कर रहे थे कि ट्रेन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए सर। कुछ भगवान, इसकी शायरियाँ नहीं सुनी इसलिए बदला ले रहा है। ऐसा कहा था सर? कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। कहा था ना? कहा था सर। चलो चलो, सब चलो। फसा रहे हो ना मुझे, देखना तेरी शायरी सुनकर तेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी। और हाँ सर, इस आदमी की असिस्टेंट और उस लड़की को ट्रेन की छत से उतरते हुए मैंने 6:30 बजे खुद देखा था। ट्रेन की छत से? हाँ सर, समथिंग इज रॉन्ग सर। इसने भी चढ़ा दिया, शुरू हो जाओ तुम। 4:30 बजे उस लड़की को कुछ मैसेज देकर भेजा, जैसे तू भी मेरे साथ बैठा था। 5 से 6:30 तक उस लड़के के साथ छत से नीचे उतरते हुए 6:30 पर इन्होंने उन्हें देखा। 7 बजे गाड़ी गुड्डूर पर रुके बिना निकल गई थी। उसके बाद टाड़ा को क्रॉस करते समय RPF वाले को गोली मारी। हमने मारी क्या? मतलब 4:30 से 6:30 तक उन्हें लगाया। तू तो स्टोरी राइटर है यार। बॉम्ब कहाँ लगाए? वो बॉम्ब ये। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, यू कैन गो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो इंक्वायरी तो खत्म है। hey! मुझे बुलाया सर। इधर। ऐसे पूछने पर तू नहीं बताएगा? कैसे भी पूछोगे, नहीं बताऊंगा। टेररिस्ट एडमेंसी। मतलब आगे क्या करने वाले हो? वो तो तुम लोग जानते ही हो। तुम्हारे आदमी है ना? हाँ मेरे हैं। वेपन्स है उनके पास। खोलोगे तो पता चलेगा ना। जाओ जाकर खोलो। यार तुम लोग भी ना। अरे भाग रहा है। मैं मुझे मो, मो, मो। मुझे के, मैं नहीं खोलूंगा। खोल, मुझे चल, चल, तुम लोग खोलो सर, गेट खोलो। अरे तुम लोग सब चुप रहे हो और मुझे खोलने के लिए कह रहे हो। नहीं खोल रहा हूँ, क्या हुआ ये करके बताओ। सर पता नहीं कौन थे सर, वो लोग ग्रुप में आए और हमारे गहने पैसे सब ले गए सर। जी हाँ सर, वो लोग हिंदी में ही बात कर रहे थे। बैटरी का डोर मैंने ओपन करवा दिया, आप देखते हैं क्या होगा। अगर हमारे सारे गहने पैसे लेकर चले गए सर। क्या हुआ भाई? हमारे पैसे गहने लूट लिए गए, उसी की इंक्वायरी चल रही है। कितने लोग थे वो सर? मैंने रिकॉर्ड किया सर। तो स्नाइपर्स टीम ने जिन्हें शूट किया वो लोग टेररिस्ट नहीं थे। तो पता लगा लिया, थैंक गॉड। तो फिर वो टचअप वाली लड़की, तुम और मुखी। गाड़ी सब मेरी तरफ घुमा लिया करो सर। डोर ओपन होने के बाद नई कहानी शुरू हो गई है, अपना ध्यान उस तरफ लगाइए। वो टचअप वाली और मुखी कुमार मेरी तरफ बेकसूर है सर। भरोसा मत कीजिए इस आदमी का। तुम सीरियस रहो सर। वो लड़की सुबह उससे मिलने के लिए ही पेंट्री में आई। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। बिना पैक जाने मुझे आतंकवादी मंत्रवादी बनाने लगे। ये आतंकवादी नहीं है सर। हाँ। ये पेंट्री चलाने वाला गधा है। झूठ क्यों बोला था सर? मुखी और वो लड़की आतंकवादी नहीं है सर, ये तो कंफर्म हूँ सर, ये आतंकवादी है। अब तुम जरा चुप रहोगे भाई साहब, को सारी हकीकत पता चल चुकी है। अब उसके बाद भी ये तुम्हारी बात मानेंगे? इतने बड़े वो बंद रख। तुम दोनों ने ड्रामा बंद नहीं किया तो गोली मार दूंगा। मार दो सर, अगर एक्स्ट्रा 2 पकौड़े मांग लो तो मना कर देता है। अकल नहीं है तुम्हें, TTR हो ना तुम, जरा से भी सीरियसनेस नहीं है। हेलो मुखी, मुखी मुखी, कौन है वो? ये सर मुखी और लड़की, उनकी बातें सुनाई दे रही। मुखी इधर से, मेरी आवाज आ रही है। मुखी कुमार,
मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा आप कौन बोल रहे हैं? मुखी कुमार, मैं कैप्टन अरविंद बोल रहा हूँ। सर ये लड़की इंजन में फंसी हुई है सर। तो तुम वहाँ क्यों गए? सर वो मेरी जान है। क्या क्या कहा? हेलो हेलो मुखी कुमार सर वो मेरी जान है, किसी भी तरह उसे बचा लीजिए। हेलो सर, हेलो। मुखी कुमार, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो। एक बात आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि ट्रेन का लोकेशन इस वक्त यहाँ पर है। सो व्हाट वी हैव टू डू? सुल्तान सर, डीसी एक्सप्रेस से कैप्टन अरविंद। वन सेकंड, कैप्टन अरविंद, डीआईजी सुल्तान हियर। अरविंद, ट्रेन की छत पर 6 टेररिस्ट थे, लेकिन ट्रेन के अंदर कितने टेररिस्ट हैं उनका एग्जैक्ट नंबर बताओ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन पर जितने भी लोग थे वो टेररिस्ट नहीं थे, सब रॉबर्स थे। तो इंजन के पास वो लड़की और उसके पास कंपार्टमेंट में वो लड़का? वो लड़का एक साधारण सा वेंडर है सर, और वो लड़की एक हीरोइन की टचअप गर्ल है। सर मैंने पता कर लिया, वो दोनों इनोसेंट हैं। मिस्टर अरविंद, कोई आतंकवादी ये नहीं कहेगा कि वो आतंकवादी है, इनोसेंस का नाटक करते हैं। आई होप यू नो दैट। इसके अलावा मीडिया के लोगों का भी कहना है कि वो लोग आतंकवादी हैं। आपकी बात पर डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो आतंकवादी नहीं है। मिस्टर अरविंद, यू डू वन थिंग, उनसे मेरी बात कराइए, इसके बाद ही वो इनोसेंट है या टेररिस्ट है मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। कैन यू डू दैट? इज दैट पॉसिबल? नो वे सर, इट्स इम्पॉसिबल। उन दोनों के पास बात करने के लिए सिर्फ वॉकी टॉकी है। जी हाँ सर, और इस वॉकी टॉकी से सिर्फ 7 किलोमीटर के रेडियस में ही बात कर सकते हैं। सर आप चेन्नई में हैं, इसलिए उन लोगों से बात करना नामुमकिन है सर। लॉजिकली इट्स इम्पॉसिबल। सर इट्स पॉसिबल सर। हेलो, प्रैक्टिकली ये हो ही नहीं सकता। श्योरली आई कैन मेक इट सर। सर उन्होंने क्या कहा सर? ये आतंकवादियों का काम नहीं है। तो फिर ट्रेन में हो क्या रहा है सर? देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू सर, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने इंग्लिश में कहा, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो। चलिए मेरे साथ। ये छलनी लेकर क्या करेगा? आटे से बिजली पैदा करने वाला है क्या? मुखी मुखी मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ सर सुनाई दे रहा है। सर कांटेक्ट हो गया। अब ये वॉकी टॉकी मोबाइल से कनेक्ट हो गया सर। अब इस वॉकी पर जिसे भी बात करनी है उन्हें इस मोबाइल पर फोन करवाकर इनसे बात करवा सकते हैं सर। वन सेकंड सर, कैप्टन अरविंद स्पीकर ऑन करो। यस कैप्टन बोलिए। सर वो वॉकी टॉकी हमारे फोन से कनेक्ट हो चुका है, अब आप उनसे बात कर सकते हैं। बात ही कर रहे हैं सर। मुझे उस लड़की से बात करनी है। उस लड़की से क्या बात करनी है सर? बोलिए सर। ए सुनो, ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होने कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी क्या डिजायर है? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट्स योर रैंसम? तुम्हें जो भी चाहिए गवर्नमेंट देने को तैयार है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत बड़ी सी सिंगर बनना है सर। व्हाट, नाटक कर रही हो? नहीं नहीं, एक्टिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ओनली सिंगिंग सर। मैं मान लूं तुम सिंगर हो? अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरी चित्रा दीदी मानो सर और शुभा जी से पूछ लीजिए। मैं कई बार उनके सामने गा चुकी हूँ, उन्होंने कहा भी था कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हूँ। अरे बचाने के लिए बोल। सर मैंने कहा था ना वो लोग इनोसेंट हैं। आई थिंक शी इज नॉट इनोसेंट सर। पागल लगती है। जब ये बात आपको पता लग ही चुकी है तो अब ये देखना है कि आप कब आकर हमें बचाते हैं। इस पागल की बात मत सुनो, हमें आकर बचाओ। मुझे पागल कह रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बोला मैंने, मैंने तो उनको बोला। तुम तो इस हालत में भी इतने समझदारों की तरह बात कर रही हो, तुम्हें ऐसे कौन बोल सकता है? वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे, वो लोग ही पागल है। सरोजा, लोको पायलट को क्या हुआ? पायलट? इंजन ड्राइवर को बेटी। उनकी नाक और मुंह से खून निकला और फिर वो बेहोश होकर गिर गए। What? सर आई थिंक ही हैज। कहाँ चले गए? मतलब ये आतंकवादियों का काम नहीं है? अगर एलपी के साथ ऐसा हुआ है तो पक्का ये ह्यूमन एरर है, इसीलिए टेक्निकल समस्या की वजह से ट्रेन बिना रुके चल रही है। ये ट्रेन अगवा की गई होगी ऐसा कहा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अगवाई के पीछे चाइना या पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। टॉर्चर मुझसे सहा नहीं जा रहा है, दिल का ताड़ बना के रख दिया। मिस्टर विजय कम हियर, तुम चैनल वालों को पहले ये बोलो ट्रेन को आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया है, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन चलती जा रही है। अब तक जो कहा बहुत है, मुंह बंद करने के लिए कह दो। ब्रेकिंग न्यूज़,
दिल्ली से चेन्नई जाने वाली डीसी एक्सप्रेस आतंकवादियों द्वारा अगवा नहीं की गई है। ये बात साफ हो चुकी है कि ट्रेन के ऊपर जो लोग थे वो दरअसल लुटेरे थे। इसके अलावा मुखी जो चाय बेचने वाला है और वो लड़की टचअप करने वाली लड़की है, तो ये ट्रेन केंद्रीय मंत्री के लिए आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया, ये कन्फर्म हो चुका है। तो अब मुझे तो पहले ही डाउट था सर, आतंकवादी इंपॉर्टेंट लोगों को अगवा करते हैं। मुंह बंद कर। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो इंसान इतना बड़ा इंसान बिल्कुल नहीं है, वो एक नंबर का। अब इसे भी बंद कर दे। ओके सर, वी आर गोइंग टू फेस अनदर प्रॉब्लम सर। ओके सर। जैक, भगवान के लिए पैनल बोर्ड से पीछे हटकर अपनी पैंट हिलाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? सर, ट्रेन इज क्रॉसिंग पोनेरी टू। पोनेरी से मिंजूर ट्रैक है, ट्रेन उस पर जा रही है, उसमें क्या परेशानी है? सर, बताओ सर, मैं बताता हूँ सर। सर, पोनेरी मिंजूर के बीच जो ब्रिज है वो बहुत ही वीक है। अगर उस पर से ट्रेन 30 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो ही वो ब्रिज टिक पाएगा, लेकिन अभी ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अगर इसी स्पीड में ट्रेन चलती रही तो पक्का वो ब्रिज टूट जाएगा सर। सॉरी, वी आर गोइंग टू लूज द ट्रेन सर। ओ, अरे वो ओल्ड ब्रिज पता चल गया है तो उस ओर क्यों जाने दे रहे हो? क्या यार, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब लोग अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। हमें बताते क्यों नहीं क्या हो रहा है? सीधी तरह जवाब दीजिए ना। देखिए आप, इसका सीधा मतलब ये है कि सारे लोग अपना मुंह बंद करके अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। आप जाकर अपनी जगह बैठिए, जाइए आप लोग जाकर अपनी सीट पे बैठिए। हे, हाँ बोलो, आखिरी बार बोल ही लो। 7 मिनट बाद जब ये ट्रेन ब्रिज क्रॉस करेगी तो एक साथ ऊपर जाओगे। आप जाकर अपनी जगह बैठिए, जाइए आप लोग। अरे मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। चलो 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 उधर। ये चल रहे नशेड़ी, चल झूलना मत कर। जल्दी करो। द ट्रेन इज रनिंग नॉन स्टॉप ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। द सिचुएशन इज, देखिए हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली है और हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी हम आप लोगों को ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। स्टे ट्यून्ड टू एल न्यूज़। हां ठीक है सर, ब्रिज पे चलते हैं। हेलो, कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या बातें कर रहे हो? तुम लोगों की इंसानियत मर चुकी है क्या? हाँ, ट्रेन में सारे पैसेंजर्स की हालत खराब होगी और तुम बहस कर रहे हो कि ब्रिज गिरेगा या नहीं गिरेगा। चैनल के टीआरपी के लिए तुम कुछ भी बोलोगे क्या? अगर तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य इस ट्रेन में होता तो भी ऐसी बातें करते? सर ये तो हमारा काम है सर। तुम लोग भगवान पर भरोसा रखते हो? हाँ रखते हैं सर। तो फिर दुआ करो, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। सर ब्रिज टूट जाएगा? ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, नहीं टूटेगा। अपनी सरकार ने बनाया होता तो टूट सकता था। सर इस ब्रिज को गिरने से बचाने के लिए आप रेलवे डिपार्टमेंट को कुछ? मैं केंद्रीय खाद्य मंत्री हूँ, मुझे आज तक अपने डिपार्टमेंट के बारे में ठीक से नहीं पता चल पाया और तुम रेलवे के बारे में पूछ रहे हो। ए, तब मुखिया और सरुजा को बचा नहीं जा सकता क्या? तू क्या दूसरी ट्रेन में है? हमारा बचना भी मुश्किल है। तेजी से चली आ रही डीसी एक्सप्रेस इस ब्रिज को पार कर पाएगी या नहीं, इससे ज्यादा टेंशन मुखी कुमार और सरोजा का प्यार एक हो पाएगा या नहीं इस बात की है। ये नौजवानों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सच्चा प्यार जीतेगा या नहीं, मोहब्बत ये एक्सप्रेस आगे रुकेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रमेश के साथ आईबीसी न्यूज के लिए मैं रेखा। मुखी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुखी, अरे मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, जरा सब्र रखो। हम लोग मर जाएंगे मुखी। सरोजा, जैसा हम कह रहे हैं वैसे करोगी तो ट्रेन रुक जाएगी, क्या कर पाओगी? करूंगी ना सर, आप बताइए। ये भी ना, क्यों बेकार में हर बात के लिए हाँ हाँ कर रही हो? सरोजा मेरी बात सुनो। अच्छा ये बात है? हाँ बोलिए। तुम इंजन की केबिन में जाओ, वहाँ डोर ओपन करके अंदर जाओगी तो। सरोजा सरोजा क्या हुआ? सर अरे मुझे एक पगली मिली है, उसे भी आप भगाना चाहते हो क्या? पीछे ड्राइवर है, देखो उस केबिन में जाओ, अंदर जाओगी तो वहाँ ड्राइवर सीट के बगल में हरे रंग का बटन होगा, उसके राइट में काले रंग का लीवर होगा, वही इमरजेंसी ब्रेक है, उसे खींच कर ट्रेन रोको। रेड ग्रीन लीवर की बात तो ठीक है, पर डोर मैंने ट्राई किया, ओपन नहीं हो रहा था सर। सरोजा बस 3 मिनट बाकी है, तुम्हारे हाथ जो भी लगे उससे इंजन का दरवाजा तोड़ दो, इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, ट्रेन को रोको। तुम्हारे हाथों में 742 लोगों की जाने हैं, प्लीज सरोजा प्लीज। मैं करूंगी सर, मैं जरूर करके दिखाऊंगी। मुंह बंद कर अपना, तुम कर सकती हो सरोजा, गो फास्ट फास्ट फास्ट। ए कथी, कहाँ जा रही हो? सर वो पागल है, उसे दिमाग नहीं है सर। ए अरे रुक, कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे रुको, ए सरोजा जरा सुनो, ए संभल कर जाना, सरोजा संभल कर, आराम से। ए पागल लड़की, ए
बैठ जाओ, वही पकड़ के बैठ जाओ। बैठ जाओ। ब्रिज भी आ गया। ब्रिज आ गया, ब्रिज आ गया। ठीक है, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। ब्रिज आ गया। वो मुझे भी दिखाई दिया। तुम पीछे आओ, पीछे आओ। मुझे पता है ब्रिज आ रहा है, तुम पीछे आओ। कधी क्या करती हो? वही पकड़ कर बैठ नहीं सकती थी क्या? यहाँ क्यों चली आई? वहाँ से तुम नहीं दिख रहे थे, तुम यहाँ पर हो ना, इसलिए यहाँ चली आई। ठीक है, बैठ जाओ और ठीक से पकड़ कर बैठना। बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, बैठ ही रहो।
गेट का धुआं क्यों है? पीछे आग लग गई है। हाँ? सब लोग भागो यहाँ से। दर्शकों ध्यान से देखिए, रेलवे फाटक के गेट पर जब वहां कोई नहीं था, तीन नौजवान ट्रेन पर आ रहे प्रेमी युगल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में ट्रेन से टकराकर जान गंवा बैठे। उसके ऊपर दो लोग रोमियो जूलियट की तरह डांस करते आ रहे हैं। इन जवान बच्चों को देखकर इस ट्रेन का नाम मोहब्बत की ट्रेन रखकर एक टीवी चैनल TRP बढ़ाने के लिए ये प्यार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा की बहस कर रहे हैं। देश की चिंता छोड़ इन गधों के साथ तीन गधे सेल्फी लेने की कोशिश में मर गए। उनके घर वालों की हालत क्या हो रही होगी अभी? आज इन नौजवानों के लिए लाइफ का मतलब मौज मस्ती नशा आवारागर्दी बस यही सब रह गया है। आखिर ये नौजवान कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? बिल्कुल सही कहा निखिल जी। अब दर्शकों के लिए समय हो गया है, एक कॉलर लाइन पर है, उनका क्या कहना है सुनते हैं। नमस्ते, हम मुंबई टीवी से बोल रहे हैं। नमस्ते, मैं मुंबई से एलेक्स बोल रहा हूँ। नमस्ते एलेक्स, आप किससे बात करना चाहेंगे? निखिल जी से बात करा दीजिए। कहिए एलेक्स। अरे क्यों निखिल जी, सारी मस्ती का ठेका अकेले आपको ही मिला हुआ है। तब से दूसरी बात की जा रही है। वो लाइन कट कर यार, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? वो जवाब कैसे दे रहा है? जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम जैसे लोग नहीं, हम जैसे नौजवान ही सामने आते हैं। अपना भूल गए? जब बाढ़ आई थी तो उस समय तुम कैसे अपने घर में दुबके हुए थे? चुप कर, TRP बढ़ रही है। TRP के चक्कर में तुम मुझे क्यों फंसा रहे हैं? सच में सर, जैसों को चुनकर हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अरे भाई जरा सुनो, राजनीति में आना आसान बात नहीं है, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोग हो के बिना बात के सफेद कमीज वाले, अपना मुंह बंद कर। जब भी मैं टीवी ऑन करता हूँ देखता हूँ तू ही वहाँ बैठा बकबक किए जा रहा है। तेरा कोई घरवर है कि नहीं? क्यों गोपी, कट करूँ क्या? अब कट मत करना। ठीक है, जाने दे, मरने दे। किसे नहीं बोल रहा है? तू तो हंसेगा ही ना, क्योंकि तुम लोग होते ही बेशर्मो। बस ऐसे ही चलने दे भाई, मैं अभी उसे और भड़काता हूँ। जनता तुम लोगों को गालियाँ नहीं देती है। हेलो, सिर्फ उन्हें गाली मत दीजिए। देखिए एलेक्स, उन्हें छोड़ दीजिए, उनके लिए ना इतना काफी है। उन्हें छोड़ दीजिए, मुझे क्यों छोड़ा? आगे और भी दो लोग हैं, उनसे भी कुछ कहिए। नौजवानों की जो शक्ति है, मिठाई के दुकानदार जैसी इसकी शक्ल है और सबको चाशनी के जैसे घोल घोल के पिलाता रहता है। अब ये देखिए लाल शर्ट वाले को, बीच बीच में इनका बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी डिस्कशन पूरी नहीं होगी। वैसे ये महाशय कभी कभी दो चार बात ठीक बोल जाते हैं, बेकार की बातों पर इन्हें चर्चा कराने के लिए। अब मुझे क्यों घसीट रहे हो? मॉरल एथिक्स होनी चाहिए, प्लीज प्लीज। मर्डर केस में अंदर चला जाएगा। एलेक्स प्लीज, एलेक्स प्लीज, श्योरली आई विल टेक योर एडवाइस एलेक्स। नो एलेक्स। अरे बाप रे, दर्शकों आपने देखा तो अब सच आप समझ गए होंगे। अगर बाकी चैनल में ऐसा हुआ होता तो कट करके अभी तक उन्होंने ऐड डाल दिया होता, लेकिन हम सच दिखाते गए। दरअसल हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जनता की बात को बाहर तक निकाल पाने में कामयाब हो सकें। सर, कुछ समय पीछे ध्यान से देखते हैं, अपनी बहस के मुद्दे को दिखाने के लिए जनता अक्सर गुस्सा, द्वेष, चिड़चिड़ापन ऐसी भावनाएं दिखाती रही है। भले ही बाहर हजारों तरह की परेशानियां हों, मुद्दे पर टिकने के बजाय नई समस्या कैसे उत्पन्न की जाए, उसी उद्देश्य से नए नए तरीके सामने लाकर ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हमारे बहस के मुद्दे को बदला जाए। अरे अब तो दर्शकों, बहस के मुद्दे को इस तरह से बदलना ठीक है या ठीक नहीं है, इस बारे में हम फिर से बहस करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हाँ बोलो रेखा। माया ट्रेन अभी फॉरेस्ट एरिया में एंटर करने वाली है, कुछ देर हमें कवरेज नहीं मिलेगी। हेलो माया, हमारी आवाज अब तक पहुँच गई है। आखिर तेरी परेशानी क्या है? हाँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, अकल है कि नहीं तुझे? ट्रेन की कहाँ जाकर टक्कर होने वाली है पता नहीं है? अरे यार, बदला लेने का टाइम है क्या ये? इस टाइम पर झगड़ा करेंगे तो दुनिया हंसेगी बे। देखने वाले क्या सोचेंगे? तू तो एकदम पागल विलन लगता है। ए, टनल आ रहा है, बैठ जा। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे बदला लेकर ही रहूंगा। अरे बैठ जा। जब तक मैं तुम दोनों को मार नहीं देता मैं नहीं जाऊंगा। आजा, आना। तेरा जाना ही बेटर। दर्शकों ध्यान से देखिए, रेलवे फाटक के गेट पर जब वहाँ कोई नहीं था, तीन नौजवान ट्रेन पर आ रहे प्रेमी युगल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में ट्रेन से टकरा कर जान गंवा बैठे। सर, एक सुपर आइडिया है। एक हेलीकॉप्टर लेकर सीधे ट्रेन के ऊपर जाकर इंजन के ऊपर एक सीढ़ी डालकर मैकेनिक को उतारेंगे तो वो ट्रेन को रोक देगा। बेटा, लगता है तूने बहुत सी इंग्लिश फिल्में देखी है। हमारे देश में किसी को चोट लगे और एम्बुलेंस को फोन किया जाए तो एम्बुलेंस के आने से पहले इंसान अपना दम तोड़ देता है। बी इंडियन, इंडियन की तरह सोचो। हमारे पास समय नहीं है सर, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सर सॉरी यार, ठीक है आपसे हॉलीवुड भी देख। बात वो नहीं है सर, आइडिया देने के लिए हॉलीवुड फिल्में देखना जरूरी नहीं है सर, अकल का इस्तेमाल करना काफी है। कोशिश भी नाकाम रही। इस कोशिश में एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। क्यों मुझे ये क्या हो गया? तुम रो मत, रुक जाओ। सरोजा, सरोजा मुझे सुन रही हो? सरोजा, सर उस लड़की के पास वॉकी टॉकी नहीं है, मेरे पास है, बोलिए सर। मुखी, इंजन के डोर की कांच टूट गई है, देखो। तुम सरोजा को बोलो दरवाजा खोलकर अंदर जाए, उसे अंदर जाकर ब्रेक लगाने के लिए बोलो। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए बोलो। सेंट्रल आने में बस 15 मिनट बचे हैं। ओके सर। वो देखो कांच टूटा हुआ है, जैसा उन्होंने कहा वैसे अंदर जाकर उस इमरजेंसी ब्रेक को लगा दो। भगवान, कौन सा बटन? हाँ, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन। हाँ, ग्रीन बटन के बाद कौन सा बटन? लीवर, हाँ लीवर, लीवर, ब्लैक लीवर, ब्लैक। यहाँ तो दो लीवर है, कौन सा वाला?
सर, इन दोनों ब्लैक लीवर में से कौन सा लीवर खींचना है सर? ओह सॉरी सर, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे ब 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा, भगवान। क्या हुआ, रुकी नहीं? वहाँ मैंने लीवर को छुआ तो उसमें से धुआं निकलने लगा। क्या धुआं? हाँ। मुखी मुखी क्या हुआ सर? सब बर्बाद हो गया है, वहाँ सब कुछ चल गया है ऐसा बता रही है। अब क्या होगा सर, सब खत्म हो गया है क्या? ट्रेन रुकेगी या नहीं? सर आई थिंक ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर शॉर्ट सर्किटेड। सर पूरा पैनल बोर्ड जल गया है सर, अब टेक्निकली ट्रेन को रोकना इम्पॉसिबल है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता सर, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। इसके आगे सर आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, वो सब हमारे भरोसे हैं। अगर ट्रेन सेंट्रल पर आकर टकरा गई तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, सबके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। डू समथिंग सर। डू समथिंग? डू समथिंग से क्या होगा, सारे पैसेंजर्स को बचाना है तो इंजन और बोगीज को अलग करना होगा। कम ऑन, व्हाट टू डू? इफ वी डिपार्ट द इंजन फ्रॉम, इंजन को कंपार्टमेंट से अलग कर दिया जाए तो पैसेंजर्स को बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है ना? यस सर, लेट्स डू इट। लेकिन एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन भी चलती ट्रेन में कपलिंग को नहीं निकाल सकता सर, वो भी ऐसे समय पर, मैं कहूँ भी तो किसको? वो लड़का मुखी है ना, लेट्स यूज हिम। सर गुड आइडिया। इट्स अ बैड आइडिया, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो कपलिंग को उठा पाए। तो तुम जाकर निकालो। सर मैं फैमिली मैन हूं, कैसे कपलिंग कर सकता हूं? मतलब कपलिंग कैसे उठा नहीं सकता? उठा सकते तो मुंह बंद रखो, बेकार के कमेंट करते हो। मुखी सुन रहे हो ना? सर मैं सब सुन रहा हूँ, मैं फैमिली मैन नहीं हो सकता हूँ क्या? मुखी मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास लास्ट ऑप्शन तुम हो। इस समय हालात करो या मरो के, तुम्हें उतरकर कपलिंग को खोलना होगा, सारे पैसेंजर्स को बचाना है, ये रिस्क तुम्हें लेना ही होगा। यू कैन डू इट मुखी। ठीक है सर मैं ही जाता हूँ। गुड गुड, दैट्स फाइन मुखी। अरे हाँ लेकिन मैं उतरूंगा कैसे? नहीं मुखी। वो सब हम देख लेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। सर बस 8 मिनट बचे हैं। सर एग्जैक्टली 6 मिनट्स मोर। हेलो प्लीज, मैकेनिक जब कुछ नहीं कर पाया तो वो कटलेट बेचने वाला क्या कर पाएगा? सुनो भास्कर। हाँ सर। ट्रेन यहीं पर आकर टकराएगी, तुम और सुरेश इस एरिया को क्लियर कर दो। ठीक है सर। इंडिया मैच जीत गया क्या? मेरी इज्जत बचा ली उसने। ए, चुप करेगा तू? सॉरी ब्रो। संभल कर। धीरे धीरे आराम से। मिस्टर मुखी कुमार, मिस्टर मुखी कुमार। क्या? अगर तुम सही सलामत चेन्नई पहुंच गए तो? ए? तो क्या? पहला इंटरव्यू आईपीसी को ही देना होगा। हाँ पक्का, सुधरना मत तुम लोग, कभी नहीं सुधरोगे, नहीं बदलने वाले। समझ गया, कुछ अच्छा ही बोल रहे हो, वहाँ पर भी आकर यही बोलना। हाँ बिल्कुल, जरूर आऊंगा। यहाँ सबकी इतनी लगी पड़ी है और इनको इंटरव्यू चाहिए। मुखी तुमसे एक बात पूछूं? क्या? जब तुम इंटरव्यू दोगे तो मैं साइड में खड़ी हो सकती हूँ ना? तेरे लिए ही तो सब कुछ है जाने मन। हाँ
सर उस लड़की को इस कंपार्टमेंट में बुलाने के बाद कपलिंग को निकलवा देते। हमारे पास बस 5 मिनट है, उसमें इस लड़की की जान बचाने लगे तो ट्रेन टकरा जाएगी। तो फिर उस लड़की की जान? 742 लोगों की जान बचाने के लिए एक लड़की की जान देना कोई बुरी बात नहीं है। मुखी ऑनलाइन है। हाँ। मुखी? हाँ बोलिए सर। मुखी तुम बफर में खड़े हो, तुम्हारे आगे कपलिंग है, देखो बस उसे ही खोलना है। सर लेकिन सरोजा तो इंजन में है ना। उसके लिए मत डरो, कपलिंग के निकलते ही प्रेशर वाल्व रिलीज हो जाएगा और इंजन थोड़ी दूर जाकर खुद रुक जाएगी। ठीक है सर, अभी करना क्या है? पहले यू क्लाइंब को हटाओ। यू क्लाइंब मतलब? वहाँ पर एक उल्टा सरिया फंसा हुआ है, देखो करियर को उठाते हैं, वैसा ही कुछ ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही। हाँ ओके सर, हटा दिया। इसके बाद कपलिंग के पास एक रिलीज स्क्रू होगा, देखो। हाँ वो चकली बनाने की मशीन होती है वैसी ही ना सर? हाँ, उससे चकली बनाओ, नहीं उसे लूज करो। हाँ ओके सर। मुखी जल्दी करो, मुखी टाइम नहीं है। मुखी मुखी तुम कैसे घुमा रहे हो? क्लॉकवाइज घुमाओ। अब ये क्लॉकवाइज क्या है? उसी तरह जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं। दाहिने हाथ की तरफ सर। दाहिने हाथ राइट साइड ही बोल रहे हो, वो करेक्ट है। हाँ हाँ वैसे ही वैसे ही। घुमाओ घुमाओ जल्दी घुमाओ जल्दी घुमाओ मुखी। हाँ जल्दी करो, ऐसे ही ढीला करो, ढीला करो, चार करो, करो पूरा ढीला कर दो मुखी, जल्दी ढीला करो। हाँ ढीला कर दिया सर। हाँ हाँ अब उस स्ट्रॉन्ग हुक को ऊपर उठाओ। सर हथकड़ी जैसा हुक है उसे ये कहिए। हाँ हाँ वहाँ हथकड़ी जैसा हुक बना होगा, देखो उसे पकड़ कर उठाओ। हाँ जल्दी करो मुखी जल्दी। हाँ 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 टाइम नहीं है, जल्दी ऊपर उठाओ, जल्दी करो जल्दी, जोर लगाओ मुखी, जल्दी करो, कम ऑन क्विक क्विक क्विक, फास्ट फास्ट फास्ट, ट्राई करो मुखी। Come on, Mookie. 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 Door se kicho, door se. Door se kicho, kicho. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, come on, come on, come on. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Tum kar sakte ho. Thoda shant rahoge. Tum kar sakte ho, Mookie. Mookie, ha, ha. जिसे जो काम नहीं आता है उसको वही काम करने के लिए देंगे। सर 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 आपके कहने का मतलब है कि आप पैसेंजर्स को बचाने वाले हैं? सब पीछे हट जाओ, हटो हटो हटो। सर आप कहना चाहते हैं लोगों को अलग से बताना होगा क्या? सर जाओ सभी लोग जाओ, मानते हैं कि आप बचा नहीं पाएंगे सर? अरे सब पीछे जाओ, पीछे जाओ। अरे चलो हटो 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 यहाँ से। अरे संभाल के आराम से। ओके क्या कर रहे हो मुखी? ट्राई करो मुखी, टाइम नहीं है, कम ऑन मुखी। सर प्रॉब्लम ये कि त्रिवेट ट्रियर से कोरू के पेटा तक अपर ग्रेड है, इसलिए वो वहाँ टाइट होगा ही। बेसिन ब्रिज में लोअर ग्रेड है, वहाँ ढीला हो जाएगा सर। लोअर ग्रेड आ रहा है मतलब इस तरह पाना होगा। मुखी तुम सामने चले जाओ, दूसरी साइड तक खींचो मुखी। क्या दूसरी तरफ जाकर निकालो। मुखी उस लड़की को इस तरफ ले आओ। ए, पागल हो क्या? मुखी उस लड़की को इस तरफ ले आओ। सेंटर लाने वाला है। कमर क्या सर? सेंटर लाने वाला है मुखी। जल्दी खोलो मुखी, जल्दी करो। बस बस मुखी खोलने के बाद भी इंजन नहीं रुकेगा, उसकी जान चली जाएगी। मेरी जान है वो। मुखी तो क्या उसके लवर इंजन में थी ना, वो इधर क्या करता? ए, प्यार की फीलिंग प्यार करने वालों को ही पता होता है, तू क्या जाने? और तेरी फीलिंग हम जानते हैं रे। चलना ठीक है। जान देकर लोगों को बचाने की शक्ति सिर्फ प्यार करने वालों के पास ही होती है। लोगों को धोखा देकर जान लेने की शक्ति सिर्फ हम जैसों के पास होती है। मिलकर सिर्फ जीने के लिए प्यार किया था क्या? मुझे भी अब जीने की इच्छा हो रही है मुखी। ये ट्रेन नहीं रोकी जा सकती क्या? क्यों नहीं रुक सकती? तुम चाहो तो मुझे स्पाइडरमैन या सुपरमैन बना दो, मैं खींचता हूँ और रोक दूंगा। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, बड़ी सी सिंगर बनूंगी, तुमसे शादी करूंगी। एक बात सुन लो,
ये देखो, शादी करने वाले शादी करने तक ही लवर्स होते हैं। शादी के बाद पति पत्नी बनकर, माँ बाप बनकर, दादा दादी बनकर एक एक करके निकल पड़ते हैं। उसके पहले प्यार कब का खत्म हो चुका होता है। हमें देखा ना, अभी भी लवर्स हैं और मरते वक्त भी लवर्स हैं। कितने लोगों को ऐसा मिलता है, हमारी तरह किस्मत होनी चाहिए। जैक, तुमने कहा था इंजन थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। नहीं रुकेगा सर। What? We lost them. Why? Some technical error? Human error. तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है मुखी? हाँ है ना इच्छा, तुम्हें ऐसे ही कहीं दूर लेकर चला जाऊं, ऐसे ही तुम्हें गले लगाए रखने की इच्छा है। ये ट्रेन ऐसे ही रुके बिना बस चलती रहे हमेशा, ज्यादा नहीं 500,000 साल काफी होगा। ए, तुम रो क्यों रही हो? मरने वाले हैं और रोओ भी ना। रोने से हम मरेंगे नहीं क्या? ये देखो, हमारी मौत है तो दूसरों को रोना होगा, हम अपनी मौत पर भला क्यों रोए, समझ गई ना? अब हम खुशी से मर सकते हैं। मैं गाना गाऊं? मैं खुशी खुशी मरने की सोच रहा था। हाँ। नहीं, तुम गाओगी तो भी खुशी होगी ना, गाओ। सरोजा यहाँ देखो, सरोजा अपनी आंखें खोलो, सरोजा 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 अरे कान से खून निकल रहा है, देखो ना क्या हो गया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? देखो ना मुखी, तुम्हारे कान से खून निकल रहा है। तुमने कान में गाया था ना? तुम्हारे गाने से कुछ भी रुक सकता है, सरकार को पता नहीं था। उठ जाओ, उठ। मुखी कुमार सर, सर सर मुखी कुमार, चेन्नई आते ही आप पहला इंटरव्यू हमें देंगे ऐसा कहा था ना? ये बताइए सर, अपनी जान की परवाह किए बिना आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, ऐसा क्यों किया सर? अपनी जान के लिए ही। So sweet, सरोजा you very lucky। मुखी कुमार, आपके इस साहसपूर्ण काम के लिए आपको अर्जुन अवार्ड तो मिलना ही चाहिए, इसके अलावा भी आपकी कोई और इच्छा है? नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है। इसको गाने का बहुत शौक है, ये बहुत से फिल्मों के डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स देख रहे होंगे, उनमें से किसी को लगे तो इसे एक मौका जरूर दे, बस इतना ही काफी होगा। मैडम आप बहुत अच्छी सिंगर हैं क्या, तो प्लीज हमें भी एक गाना गाकर सुनाइए ना। अरे नहीं नहीं, अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ है। अरे okay. नहीं तुम थक गई होगी ना इसलिए। इट्स ओके, बाद में सुना लीजिएगा। हाँ जरूर गाएगी। पीछे हटिए, पीछे हट जाइए प्लीज, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे 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 प
मेरे साथ सेल्फी लेने आए थे ना, तो अब तो सब तुम्हारे साथ सेल्फी ले रहे। इसने प्रूव कर दिया मेरा स्टूडेंट है। चुप रहेगा तू? मुझे कुछ बोल रहा है? तुझे ही बोला मैं। तुझे पता तो चल गया होगा कि मैं मिलिट्री में खाना बनाता था। अच्छा, तू मिलिट्री में खाना बनाता था? ये मिलिट्री में खाना बनाता था। अबे मुझे मार।